जल्दी आओ यार। ए, एक को मारने के लिए इतने लोग आए हो? तुम गेट खोलो यार। जरा संभल कर, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से काम खत्म करके बाहर आ जाओ। हे, घूम कर बैठ। चला आया तमाशा देखने। मुरली इधर आओ, ऑफ करके आओ। मच्छर छाप अंदर मांग रहा था क्या मास्टर? भाई ने बस टिकट भिजवाया है, वॉल्वो बस है, एसी स्लीपर, रात को निकलेगा तो सुबह तक गांव, समझा ना? अबे अगर नहीं जाने की जिद करेगा ना तो सुबह जो 2 बच्चों को लटका हुआ देखा था उसी तरह लटका देंगे तुझे। हम यहाँ बात कर रहे हैं और तू लव लेटर पढ़ने में लगा हुआ है। सबरी मनी गंडन। अरे ये तो वही है जो सरेंडर होने से मना कर रहे थे। सर, अंदर से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है। जाने तो देख लेंगे। सर, आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। ठीक है, जाकर देखो। ठीक है सर। इसे भी मार ही देते हैं पार्टनर। सबको जला देंगे तो शक हम पर ही जाएगा ना, अपने पक्ष में कोई गवाही देने वाला भी तो चाहिए। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अपने बाप की तरह सिर्फ सच बोलने की जिद अगर ये भी कर बैठा तो पूछ लेते हैं। छोरे, तेरा नाम क्या है? भवानी। क्या? भवानी। तेरे माँ बाप कैसे मरे? गैस सिलेंडर फटने की वजह से। तू तो समझदार लड़का लगता है रे। इस लड़के के गवाही देते ही इस पर एसोसिएशन के पैसे चुराने का इल्जाम लगा देंगे। बाप ट्रक एसोसिएशन का चेयरमैन, उसके बेटे ने चोरी की, इस बात पे कौन भरोसा करेगा? बड़ी दया आ रही है क्या? मैंने बचपन से देखा इसे। देख छोरे, तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ बच्चों की अच्छी देखरेख होती है, जाएगा ना? वो लड़का एक भी दिन चैन से सोना नहीं चाहिए। तूने जितने मांगे ये उससे ज्यादा है। शुक्रिया भाई,
थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो घर में घुसकर ठोक देंगे, समझे ना? मैं संभाल लूंगा। आजा। वहां क्या देख रहे हैं ना? अबे देख क्या रहा है, उठा के खा, जूता साफ कर, खाल खींच लूंगा तेरी। सब लोग सोने जाओ। क्यों रे, तुझे और कितना मारूं? जरा सा तुझ पे मार का जरा सा भी असर नहीं हो रहा है? कोई तुझे पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है? तू मुझे ना मारे इसके लिए मुझे तुझे और पैसे देने पड़ेंगे। मेरे पास पैसे नहीं, जितना चाहे मार ले, जिस दिन पैसे आएंगे तेरा हिसाब करूंगा। कौन? भाई वो भवानी है ना, जेल से भाग गया है। क्या कहा, इसी बात के लिए पैसा लेता था क्या? सुबह होने दे, फिर मैं बताऊंगा, तब तक उसे ढूंढ के निकाल। रख हरामी। डरो मत सेठ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मारना होता तो जब तुम सो रहे थे मैं तुम्हारा गला दबा देता, लेकिन उसके बाद मैं डर कर छुप कर जीना नहीं चाहता। मुझे चैन से जीने दो, बस यही कहने आया हूं। कुछ समझा नहीं? मुझे चैन से जीने दो। तुझे जीने दूंगा तो उसमें मेरा क्या फायदा? हा? बस एक हफ्ते के लिए मुझे छोड़कर देखो, मैं जितने पैसे कमाऊंगा उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। जिस हफ्ते तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ना मिले मुझे जान से मार देना। ठीक है, देखते हैं। इस हफ्ते के लिए छोड़ दिया, जा। बिना परमिट चेक पोस्ट पास करा दूंगा। मुझे कितने पैसे दोगे? 1000 रुपए से कम में तो ट्रक छूट ही नहीं पाता है। परमिट की जिम्मेदारी मेरी, वो 1000 रुपए तुम ही रख लो। मुझे हर ट्रक पे 100 रुपए चाहिए। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? वो मेरी जिम्मेदारी। क्या है, क्या चाहिए? जाओ जाओ जाओ, अरे जाना जल्दी, चलो चलो चलो, रुको रुको, जल्दी जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी जल्दी। आगे से अगर तुमको परमिट चाहिए तो 500 रुपया मुझे देना पड़ेगा, समझ गए? यहां रहूं या ना रहूं, बच्चों को दारू सिगरेट मिलते रहने चाहिए। ए डालना। एक तरह से सबकी वजह हम ही है पार्टनर। जिस दिन उसके बाप को जलाया था तभी इसको भी फेंक देना चाहिए था। अब देखो, ट्रक एसोसिएशन की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने की फिराक में लगा हुआ है। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से? लोकेश, तुझे पता है कि उसके नाम पर कितने ट्रक चल रहे हैं? इसके अलावा मीट फैक्ट्री भी तो है उसकी, एक्सपोर्ट भी तो करता है। वैसे ये सब हाल ही में सीखा है पार्टनर। ये सब जो नाबालिग बच्चे है ना, ये उन्हें लेकर कुछ तो कर रहा है जिससे पैसे बरस रहे हैं। इसे मिनिस्टर का बिनामी भी बोलने लगे हैं।
अगर ये ट्रक एसोसिएशन में जीत गया तो हमसे ये अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेगा, इसलिए उसे जिंदा रखने में कोई फायदा नहीं है पार्टनर। वो खुद ही आ रहा है, उसे यही खत्म कर दो। ये क्या बे? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सारे भगवानों को गले में लटका रखा है? सारे भगवानों को पूजना चाहिए, क्या पता मुसीबत में कौन बचा ले, मिनिमम गारंटी तो होगी। अच्छा है, 17 साल की उम्र में जान की भीख मांगने वाला देखो कैसी बातें कर रहा है। चल तुझसे एक जरूरी बात करनी है, ये जो अब तक हर हफ्ते पैसे देता आया ना वो बहुत हुआ, अब उसके बदले जो कुछ भी है सब बेच कर तू किसी और शहर में चला जा, ठीक है? मैं खुद अगले हफ्ते आपसे यही कहने वाला था, आखिर कब तक हर हफ्ते अपनी जान बख्शने की भीख मांगता रहूंगा मैं, इसलिए आपसे पैसे देना बंद। तुझे क्या करना है क्या नहीं करना उसका फैसला तो खुद नहीं करेगा, जो हम कहे तुझे सिर्फ वही करना है। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। चल 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 बस कर, तू क्या कर रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ, अपने गुनाह के बदले उन बच्चों को सरेंडर करवाना, उनके हाथों मर्डर करवाना हमें सब पता है, मेरे सामने टेढ़ी बातें मत कर, यहाँ से भाग जा कह रहा हूँ, वरना हमारे हाथों तेरी कब्र खुदेगी। चारों तरफ देख तो ये मेरा अड्डा है, अगर मैं चाहूँ तो बस तेरा ट्रक ही वापस जाएगा, तू नहीं जा पाएगा। आपको पैसों के बदले और वफादारी से काम करने के बीच का फर्क पता है ना? ओहो, चाहो तो एक सैंपल दिखाऊं। भाइयों जरूरी काम है, यहाँ आओ। इन तीनों कमीनों को यहीं मारकर गाड़ने का इनाम है ये 20 लाख रुपए। ओए, यहाँ आकर किसके सामने बोल रहा है? पैसों के लिए हम भाई को मार देंगे ये सोच रहा है? हम कब से इनके साथ है जानता है? 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? वो हमारे भैया हैं। 40 लाख रुपए। भाई भाई आपने इसे सामने क्यों बिठा रखा है, एक बार आप बोलो तो। 50 लाख रुपए। ये क्या बढ़ाई जा रहे हो? 60 लाख। आगे बोल। एए, मारो साले को। आप शांत रहो ना, भाई कुछ बोल रहे हैं ना। 70 लाख रुपए। क्या कर रहा है भाई? भाई मैं गेट पे जाके देखूं, किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए? ए हटना, हट। हाँ तो 80 लाख में लॉक किया जाए। इन तीनों को ठोक देंगे। पता चल गया ना पैसे और वफादारी के बीच का फर्क। भैया सामान। इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं, हो सके तो मुझे मारकर अपने आप को बचा लो। ये लोग हैं? हाँ साहब। ये पोस्टमार्टम और क्राइम सीन सब सूट हो रहा है ना? बहुत ही तरीके से अंजाम दिया साहब, चलाना नहीं जानते फिर भी ट्रक उस आदमी के ऊपर चढ़ा दिया। किसने? इन्होंने? ए, किसके लिए झूठ बोल रहे हो साहब? ट्रक थोड़ा बहुत चलाना आता है, चला के देख ही रहा था कि लोचा हो गया साहब। क्यों रे? सही कहे भैया। इससे पहले भी यहाँ आए थे? हाँ साहब, पिक पॉकेट केस में आए थे, बाद में सुधार गृह में भी रह चुके हैं ये। अब 302 में आए हैं दोनों? ये सुधार गृह है, ये क्रिमिनल ट्रेनिंग सेंटर? एक चोर को खूनी बना दिया, किस बात का सुधार गृह?
ऑब्जर्वेशन होम स्टाफ को बुलाइए। जी सर। सर साहब बुला रहे। साहब नमस्कार, मैं ही हूँ यहाँ का सुपरिटेंडेंट। अपना इंट्रोडक्शन छोड़ो, ये बताओ सुधारगिरी में मास्टर कब से रख रहे हो? किसी मास्टर को रखो तो ये लोग भगा देते हैं साहब। इन लोगों के डर से कोई भी मास्टर यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता। बिना मास्टर के कैसे? अभी तक एक भी नहीं आया क्या? पता नहीं क्या होगा इन लोगों का। इन बच्चों को पढ़ाने वाला, अच्छा बुरा समझाने वाला कोई नहीं होगा तो ये सुधरेंगे कैसे? देख रहा हूँ कि अब तक 30-40 केस ऐसे आ चुके हैं। सुपरिटेंडेंट, मैं जियो इशू कर रहा हूँ। सारे प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज, हर जगह ये ऑर्डर भेजिए। पूरे राज्य में भेज दो, कोई ना कोई तो मिलेगा ही, समझे ना? ऑर्डर तैयार कीजिए। ये सेंट जेफरी कॉलेज शहर का सबसे मशहूर कॉलेज है। इस कॉलेज में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी फिल्मों में, राजनीति में, विज्ञापन, बिजनेस वर्ल्ड, ऐसी बड़ी बड़ी जगह तक पहुँचे हैं। कई VIPs को बनाने वाला कॉलेज है ये। ऐसे कॉलेज में होने वाले इस एलुमनी मीट को स्पेशल बनाने के लिए सारे स्टूडेंट्स जोशो खरोश में हैं। जानना चाहते हैं वो किस लिए? आइए देखते हैं। Hi, yes. It's Ramya. Hi, nice to meet you. Here. फोन पर तुमसे बातें हुई थी ना? Oh, that was you. Yeah, yeah. Okay, okay. आपका पूरा नाम क्या है? चारुलता प्रसाद। नाइस। आइए, आपको सबसे मिलवाती हूँ। सर, लेकिन कैसे सर? आप नहीं जानते सर, हमारे कॉलेज का नाम है सर। ऐसी बात नहीं है सर। इसके जानकर इस फंक्शन में स्पॉइल करना चाहते हैं। बाहर गया तो कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा। सर, हमारे भी कोई जिम्मेदारी होती है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। खत्म होने में मिनिस्टर के जाने के बाद मिलिए सर। प्लीज। ए श्री, ये छुपाने की कोशिश मत करो, चुपचाप से सच बता दो। सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। जेडी था ना, इसकी वजह जेडी ही है ना। सच कह रहा हूँ मैं, कुछ नहीं है। तो फिर कौन है? Who is then? Your father? सर, कविता के साथ क्या हुआ है सबको पता है। उसे सेक्सुअल हैरेस करने वाले इन कुत्तों के साथ क्या करना है? माइंड योर वर्ड्स, स्पिट दैट गम फर्स्ट। आई सेड थ्रो इट हियर। सर, यहां नहीं फेंकूंगा सर, बाहर जाते वक्त जरूर फेंकूंगा। बहस कर रहा हूं, सच कह रहा हूं सर। सर, उसे सेक्सुअल हैरेस करने वाले उन महान लड़कों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इतना काफी नहीं था तो पुलिस कंप्लेन की गई और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बस हम इतने दिनों से घुमा रहे हैं। जब ये पता चला कि आदि के पिताजी बिजनेसमैन हैं, तो उन दोनों को कनाडा भेजने का प्लान किया गया। इसलिए सर, मैं अपने दोस्तों के साथ उसके घर उस पर नजर रखने के लिए गया था। हेलो सर, वो लोग अभी घर से निकले नहीं है, लगता है अंदर ही है। मुझे तो लग रहा है वो लोग जरूर कोई प्लान बना रहे हैं और नए नए चेहरे भी आते जाते दिख रहे हैं। सर सर, उनकी आवाज सुनाई दे रही है, लगता है वो लोग बाहर आ रहे हैं। अरे देखो, आप घबराइए मत, मैं देख लूंगा वहां पर। उसका फोन करता हूं, ठीक है? पहुंचते ही मुझे फोन करना, ठीक है? चल निकलो, आराम से जाना, ध्यान से फोन करना, भूलना मत। सर, वो लोग घर से निकल चुके हैं सर। सर, वो लोग टैक्सी में हैं और अशोक नगर से आगे आ गए हैं। सर, मैं अपने दोस्तों के साथ उनका पीछा कर रहा हूँ। कहाँ है भाई? सिग्नल के पास हूँ। कौन सा सिग्नल? वो मैं जाफर खान पेट पर हूँ। बस नंबर पूछ। कौन सा बस नंबर? 70 नंबर। भैया फिर से बोलिए। 70 VVV पहुँच गए, देखो सिग्नल पर खड़ी है। भाई भाई यहाँ पर आओ, जल्दी आओ। ये चलो, वो सामने वाली बस। आजा, चल आजा, जल्दी आओ, जल्दी चलो चलो। सर, वो दोनों V70 बस में चल गए हैं सर। बस नंबर TN01AN1184 अभी जाफर खान क्रॉस किया सर। लगता है काट दिया। तुम लोग घबराओ मत, मैंने लड़कों को समझा दिया है। अंदर एयरपोर्ट में अपने लोग हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, निकल जाओगे। ठीक 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 ठीक। We'll be right back.
तू नहीं रहे, चल। ए, इसे बाहर फेंक दे। कौन है ये? प्रोफेसर। चलो उधर आओ, उधर उधर उधर, जल्दी चलो जल्दी। ए ड्राइवर, मत मत रुकना, चलते रहो, रुकना नहीं, चलो चलते रहो। सर अचानक वो दोनों बस से निकलकर भाग गए। अच्छा हुआ ये बाइक लेकर आ गया। अरे वो नहीं था, मैं था। सॉरी सर, ये आया था। सर बैठिए सर, लगता है वो लोग मेट्रो स्टेशन में घुस गए सर। जल्दी आओ जल्दी आओ, ठोकर दो ठोकर, चलो चलो जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ घुसो। अच्छा हुआ, जब से मेट्रो आई है बैठने की सोच रहा था लेकिन बैठ ही नहीं पा रहा था। थैंक्स भाई। ए, मैं इस मास्टर को जान से मारने वाला हूँ। जिसमें हिम्मत है वो खड़े रहे, बाकी साइड में हट जाएं। गर्ल्स गर्ल्स, जरा ये पकड़ना प्लीज। सर जरा सा हटना, मैं वहां जाके देख लूंगा। थैंक्स थैंक्स। ये सब इसके आदमी है सर। यहाँ से पास नहीं है बेटा, एयरपोर्ट बाईं ओर सीधे चले जाना बेटे, जाओ जल्दी जाओ। वहां से वो लोग बाहर आके शेयरिंग ऑटो में बैठ गए और वो ऑटो जमील भाई का था। मैं तो सीधा ऑटो में घुस गया और वो दोनों मेरे हाथ लग गए। तो कनाडा? हाँ सर। उसके बाद हम सभी मिलके उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। सो ये सब तुम लोगों ने किया? हाँ, सर, सर, सर। तो जेडी का इससे कोई संबंध नहीं है सर। नहीं, 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 सर, सर ये बच्चे बोल रहे हैं कि आपके स्टाफ जेडी ने नहीं किया है, ये झूठ बोल रहे हैं सर। मैं जानता हूँ सर, जेडी इज द कल्प्रिट। लड़कों की वजह से उसकी हिम्मत बड़ी हुई है। एक दिन वो मेरे पास जरूर फंसेगा, तब उसे बताऊंगा। सर मंत्री जी की गाड़ी आ गई है, अगर आप कहें तो मैं अंदर ले आऊं। इधर सर, आप बैठिए बैठिए, जस्ट 10 मिनट में आ जाऊंगा। ओके सर, ओके आप जाइए, मैं यहां वेट करता हूं। जाइए सर, जाइए। ओके ओके सर। क्या हुआ, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? रिंग तो जा रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। स्टूडेंट था तब भी ऐसा ही था, मास्टर हो गया तो भी ऐसा ही है। ए, चुप करना मालती। हाँ? तुमने ट्राई किया था? कॉलेज स्टूडेंट से पूछा था तो क्या कहा? उसे सस्पेंड कर दिया गया है। ये पहले बोली होती तो साथ में लेकर आए होते ना, अब बता रही हो वो बहुत बिजी होगा, दोबारा ट्राई करो। यही है प्रिंसिपल सर। नमस्ते भैया साहब, वेलकम सर। नमस्ते। रमया, हाँ वो स्टूडेंट इतनी प्रॉब्लम करने वाला लड़का है तो उससे रेस्टिकेट क्यों नहीं कर देते? हाँ रेस्टिकेट करना होता तो उन्हें 20 साल पहले ही रेस्टिकेट कर देते, समझी नहीं। जेडी स्टूडेंट नहीं है ना, प्रोफेसर है। व्हाट,
Dean of Student Affairs. First of all, we welcome you all. Good morning, one and all present here. Vicky. Our honorable chief guest, Minister Gautam ji, and respected dignitaries on the dais. Ye kya hua? बैकस्टेज में प्रॉब्लम कर रहे हैं और कोई ऊपर नहीं आ पा रहा है। hey, जेडी के बिना फंक्शन नहीं होगा ऐसा तुमने कहा था हा? सर और क्या सर, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्हें दो हफ्ते से सस्पेंड क्यों किया गया है? बाकी दिन तो ठीक है, ये एलुमनी मीट उन्हीं के लिए है, अगर वो नहीं आए तो हम यहाँ कुछ होने ही नहीं देंगे। oh, तो तू इन सब का नेता बना हुआ है? रुक जा सर। मिनिस्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी उन्हें और बहुत सारे लोगों से मिलना है सर। मैं यहां बात करके, मैं अभी बात करके अभी आता हूं। जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। उसे फोन लगाओ। सस्पेंड आपने किया, फोन लगाने को मुझे कह रहे हैं? फोन आप ही लगाइए। नंबर नहीं जानता, तू फोन लगा ना। जल्दी फोन लगा नहीं तो उसका मन बदल जाएगा। हेलो जेडी, मैं प्रिंसिपल सैमुअल बोल रहा हूँ। जेडी सर सो रहे हैं भैया, बाद में फोन कीजिए। प्रिंसिपल अनबया सैमुअल। सर आप जितना ही फोन कीजिए उठने वाले नहीं है, तीन चार बोतल खाली कर चुके हैं वो। तो उसे जगा सकता है या नहीं? है? ये बहुत मुश्किल है। हे, पी के सोया हुआ है, अब मैं क्या करूं? हाँ, शिक्षा मंत्री को बोलिए कि आधा घंटा वेट कर लें, हम जाके उन्हें लेके आते हैं। ठीक है। क्या हुआ, नहीं उठ रहे? Hey, क्या बजा रहे हो तुम लोग? पैसे पूरे लिए ना, ठीक से बजाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। यही 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 यही। अरे और दो तेज हम लगा के। रुको रुको रुको, चलो उठाओ। सच में बुलाया है ना? सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, सच में बुलाया सर। भाई बजाओ बजाओ। I'm gonna make you mine.
आईडी कहाँ है तुम्हारी? मेरे पास ही है सर। उसे पहनो फिर अंदर चलो। ओके सर। चलो चल चल। अरे यार आओ। ये प्रोफेसर है क्या? सस्पेंडेड प्रोफेसर। नाम क्या है इसका? जेडी। शुरू करो सर। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। सर ये जेडी सर को दे दीजिए। मैं कई कॉलेजों में गया, आईडी कार्ड डाले, कई तरह की भीड़ देखी है, लेकिन कहीं भी इस तरह की भीड़ नहीं देखी, क्योंकि यहाँ की सारी भीड़ स्टेज पे माइक पे बोलने से ज्यादा नीचे बैठे किसी एक के लिए इकट्ठी हुई है। ये कोई आम बात नहीं है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच इतनी नजदीकी को देखकर लगता है कि ये बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसियर प्रोफेसर हैं। अगर ये खुद ऐसे हैं, तो ये जिन छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं वो कितना आगे जाएंगे। तो आइए हम सब इनके लिए तालियां बजाते हैं। इनके जैसा प्रोफेसर मिलना आपका और इस कॉलेज का सौभाग्य है। सर आंखें लाल हो गई हैं, चश्मा पहन लीजिए। इस इज्जत के हकदार उस इंसान से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि यहां स्टेज पर आकर दो शब्द कहे। आप सही बोल रहे हो सर, आइए आके कुछ बोलिए सर। ए, कहां जा रहे हो? अरे बुला रहे हैं तो जाके एक छोटी सी कहानी सुना। जूते देखे हैं तुमने? बेइज्जती करवाने जा रहे हो? आप आइए सर। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस आइए बैठे ना। जेडी जो है, मैनेजमेंट और स्टाफ पूरी तरह से जेडी के अगेंस्ट में है, लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए कितना कुछ किया है। स्टूडेंट्स के तो वो हीरो हैं, इसलिए मैनेजमेंट को पसंद नहीं है। ऊपर से 6 बजे के बाद तो साहब नशे में डूबे रहते हैं। मैंने वो चैप्टर कर दिया था। ओ, मैंने भी कर दिया है। हाय हाय। उस तरफ जा रहा है आपको। ओ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या पुरानी कहानी है जो रोज पीते हैं? बस ये मत पूछ लेना, अगर कोई सुनने वाला बकरा मिल गया तो सुना सुना कर कान पका देते हैं। वो तो कॉलेज में बस में लव लव करके पीछे घूमता रहा। लव तो ठीक है, लेकिन एक दिन कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था तो अचानक उसका पाप आ गया। फिर क्या हुआ, पकड़े गए क्या? बताता हूँ दीदी, उसके पाप का नाम था मिस्टर चंद्रशेखर। हम दोनों एक ही चाली में रहते थे, मैं 8G और वो 7G में। इंडिया यहाँ है और यहाँ पर है अमेरिका। इसीलिए मैं तो बस गिटार लेकर निकल पड़ा। अरे अपनी काजोल दी, वो सीधे पहाड़ पर जाके खड़ा हो गया। वहाँ से कूदने का फैसला भी कर लिया था। किस्मत खराब थी, पेड़ पर लटक कर बच गया। क्या हुआ? वो बेचारी पहाड़ से टकरा कर मर गई। बेकार में पका रहे हो। सुन तो, ये सब तो टू मच है यार। वैसे वो किस डिपार्टमेंट से है? वो भी इसी कॉलेज में है, यही साइकोलॉजी में एमफिल किया था। अब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते हैं। May I request you all to please stand up? I said stand up. अब आपका दिल और दिमाग फोकस्ड है या नहीं ये मैं चेक करने वाला हूँ। We are hearing, but not listening. Students don't listen to their teachers. Teachers don't listen to their students. Now, run! Run, 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 run! Water! Electricity. Children don't listen to their parents. Parents don't listen to the children. And finally, the government doesn't listen to its people. अब मैं जो कहने वाला हूँ, आपको भी ठीक वैसा ही कहना है, लेकिन करना ठीक उसका उल्टा है। Jump in. Jump left. Jump right. Hey, hey, hey. Now on the starboard. Faster, faster, faster. Now close your bloody eyes and freeze. क्लास डिस्पर्स। मेरी क्लास का टाइम हो गया है, हम लंच पर मिलेंगे। श्योर। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, इन सब की वजह वो भवानी ही है। यूनियन इलेक्शन में जीतने के लिए जो उसके विपक्ष में खड़ा होता है वो एक एक करके सबको खत्म कर रहा है, मैं जानता हूँ। देखो गुरुमूर्ति, इनसे हो सकता है नहीं, ये तुम देख लो भाई। मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, मुझे सुनता कौन है? ये उन बच्चों को लेकर के गलत काम कर रहा है। ओए, तुम लोग चुप क्यों बैठे, कुछ बोलो भाई। ए, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं,
नमस्ते भैया। क्यों बे भवानी, तू इतना बड़ा हो गया क्या? हाँ, उसे मारने से तुझे कुर्सी मिल जाएगी क्या? मैं भी देखता हूँ। नहीं भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ, जो भी है बात कर लेते हैं। ओए, तुझसे क्या बात करूँ मैं, तुझे तो मैं ही ठोकूंगा। ओए, चल गाड़ी निकाल। भैया, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं, बात कर लेते हैं ना, आप जान पर क्यों आ रहे हो? ओए, जिन बच्चों को लेकर तू उछल रहा है ना, उन्हीं बच्चों के हाथों ठोकूंगा तुझे मैं, देख लेना। अरे मैं खुद अभी बच्चा हूँ, मैं आपको क्या समझाऊंगा? भैया सुनो ना, तुझे ठोकने वाला हूँ मैं, माफी मांगने आया था ना तू? भैया बात कर लेते हैं, आप रूठ कर जाओ मत। लोगों के सामने। अरे मेरी बात तो सुनो भैया, जाओ मत भैया, रुक जाओ। अरे बाप रे, भैया तो चले ही गए। So sad. देख लिया आप लोगों ने मैंने क्या किया? उनके साथ बात करते हुए जाता तो मैं भी मरता। इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं होती। तीनों भगवान को पूछता हूँ, इसीलिए भगवान ने मुझे बचा लिया और भैया को सजा दी, उनकी आत्मा को शांति मिले। इस साल कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन करने के लिए UGC ने परमिशन दे दी है, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों की ओपिनियन चाहिए कि क्यों इलेक्शन नहीं चाहिए फॉर द रिकॉर्ड्स। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए सर। सेमेस्टर भी शुरू होने वाले हैं, इस समय इलेक्शन की क्या जरूरत है? अगर इलेक्शन right. होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी। सो आई डोंट थिंक दे आर फिट फॉर इलेक्शंस। एग्जैक्टली। इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन नो। दिन वाले क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन रात वाले क्लास में हमेशा प्रॉब्लम होती है। थैंक्स रम्या। चारू तुम भी कुछ बोल सकती हो? नहीं सर, मुझे इस कॉलेज में आए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो मेरा ओपिनियन देना सही होगा या नहीं पता नहीं। कम ऑन, इसमें क्या हुआ? नहीं सर। हे जेडी सर, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ वही तो सर, अच्छे मौके की तलाश में होंगे सर। एक बार जेडी से भी पूछ लीजिए ना। जेडी, आप अपना ओपिनियन बताइए। आपका ओपिनियन क्या है जेडी? कल कौन सा दिन था? गुरुवार था। लेकिन गुरुवार को तुम की छुट्टी होती है। अरे तब तो कल खूब पियोगे। चल 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 जल्दी जल्दी। जेडी सर, सर इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी। तू यहाँ क्यों आया सर? रोजी मैडम है ना सर, सर उन्हें फोन देना सर, प्लीज सर। सर उनके हस्बैंड सड़क पे गाड़ी से गिर गए थे सर, उनसे बात करें सर। हेलो यू डूइंग? हां सर सही कह रहे हैं। मैं फोन देने चला हूं सर, प्लीज सर। क्या हुआ? उठी उठी बोलो ना मैडम, आपका फोन कब से स्विच ऑफ हो रहा है, कब से लगा रहे हैं? जाइए जाकर बात कीजिए। एक मिनट सर। हेलो सर, सर इलेक्शन के लिए ना बोलना, कुछ तो बोलिए सर। सॉरी सर, सॉरी सर। चल चल चल। जेडी, इलेक्शन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कैसा, इलेक्शन होना चाहिए बस। जानता था ये तो ऐसे ही मीनिंगलेस बोलते रहते हैं सर। कॉलेज में इलेक्शन शुरू हुए तो सारे स्टूडेंट्स उसी ख्याल में डूबे रहेंगे, उस चक्कर में ना कोई पढ़ाई करेगा ना कोई क्लास में आएगा। करेक्ट। स्टूडेंट्स इलेक्शन करके ऐसा क्या सीख लेंगे सर? कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स क्यों सर? मैथ्यू सर, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो करना चाहता हूं। रुको आता हूं सर। पॉलिटिक्स मतलब एक सर्विस है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते हुए इलेक्शन या लीडरशिप के बारे में समझेंगे तो कल को स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले UI होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स। उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तो ही अगली पीढ़ी में हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा। एक अच्छा लीडर बनने की या फिर एक अच्छा लीडर चुनने की समझ उनमें आ जाएगी। कोई और अगर उन्हें सर जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, हर दीवार पर लिख देते हैं और उसके बाद मेरी दीवार उसकी दीवार करके झगड़ा करते रहते हैं। कॉलेज के बाहर लोग यही सब नहीं करते क्या? बैठिए सर, ये सारी परेशानियां इलेक्शन के वक्त पर ही आ जाती हैं, तो इसकी वजह से देश में भी इलेक्शन बंद हो जाना चाहिए क्या? हमारे देश में पोस्टर बैनर की संस्कृति तो है ही, बच्चों को पोस्टर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, बैनर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये जानना है तो इलेक्शन होना ही चाहिए, तभी यहाँ से बाहर जाकर सही करेंगे। अगर हम ये क्वार्टर और चिकन बिरयानी देकर वोट लेने की रीत बदलवाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स क्या है ये स्टूडेंट्स को जानना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है। अगर स्टूडेंट्स मारपीट पर उतर आए या कॉलेज को कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अगर हुआ तो कॉलेज छोड़कर चले जाओगे, रिजाइन कर दोगे? बोला हाँ होगा तो देखेंगे। तो फिर आप खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर ये इलेक्शन करवा के दिखाइए। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा, रिटर्न में लिख के दे दो। जून महीने की 25 तारीख को होगा इलेक्शन। इसे मास्टर बनने के बाद इलेक्शन करवाते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जब ये स्टूडेंट था तब मैंने इसे इलेक्शन करवाते हुए देखा था।
शेक योर हैंड्स। दिस इज द वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। जिम फैसिलिटी सारे स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगा और हॉस्टल में डेली सबको नॉनवेज खाना मिलेगा। अच्छे स्पीकर्स ही बड़े लीडर्स बन पाए हैं। तुम्हें भी डट कर बोलना होगा सभी। दूसरों की कमियां गिनाकर वोट लेने के बजाय तुम क्या करना चाहती हो ये बताकर वोट लो। Hey, कोई भी पोस्टर है, सब घर के फेंको। जो जगह दी गई है वहीं पर पोस्टर्स और बैनर्स लगेंगे। स्टूडेंट्स के बीच जरा से भी हाथापाई हुई तो इलेक्शंस नहीं होंगे। You pull back and fire. Cheers. सर, कुल मिलाकर 5,500 स्टूडेंट हैं। उसे हमने टोटल 10 कैटेगरी में बांटा है। ये कौन सा कॉलम है? सर, वहाँ रिलीजन और कास्ट के हिसाब से रखे जाएंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से काटेंगे तो आगे चलकर हमारी आदतें बदलेंगे। ओए, और कितने दिन तू ऐसे पी पी कर मरेगा? अब तुम भी गालियां देने लग गए। नशा छोड़ दो, गाली नहीं दूंगी। मैं तो होश में ही हूँ। अच्छा ऐसा है? इस बोर्ड में कहीं भी तीर मार के दिखाओ तो मान जाऊंगी कि तुम होश में हो। भाई आज दिखाई दो। ओए, हर डिपार्टमेंट के नाम 1,00,000 रुपए। इससे पहले मैंने कई बार काउंसलिंग की है। अगर आप मुझे वजह बताएंगे तो मुझसे जितना होगा उतनी हेल्प करूंगी। पहले जब मेरी नौकरी नहीं थी तब मैं राजस्थान में टाइल्स कंपनी में काम करता था। ओह। तब एक लड़की ट्रेन में ही अपना बैग भूल गई थी। मैंने वो बैग उसके पास कुरियर करवा दिया। वो उस लड़की को बहुत पसंद आ गया। फिर मैंने और उस लड़की ने लेटर में ही प्यार करना शुरू कर दिया। तब मैं राजस्थान में रहता हूँ ये जानने के बाद उसने मेरे लिए एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ स्वेटर भेज दिया था। हाँ? राजस्थान में स्वेटर? बात तो सही है। कल को अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो रात के 12 बजे भी पुलिस स्टेशन में मैं खड़ा रहूंगा। बेकार के झगड़े करके पुलिस स्टेशन में खड़े होने वाले हम ऐसे काम ही क्यों करें? कैंटीन में बेवरेजेस फ्री, एक्वा ट्रेनिंग एक्सेस फ्री, कैंपस में इंटरव्यू भी होगा, सभी लोग जॉब के साथ ही बाहर निकलेंगे। सबसे पहले आप ये फैसला कीजिए कि आपको एक लड़की के नीचे रहना है या एक लड़के के नीचे रहना है। ए, वो मेरा ग्लास नहीं था, कोई और उसे पीकर यहाँ छोड़ गया था गधे। इसकी तो छोड़ा। One JD, please. सर, चौथा राउंड सर, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। डर लग रहा है सर। लड़ाई लड़ ली और अब रिजल्ट से डर रही है। चौथा राउंड है, चल निकल। मोस्ट अवेटेड इलेक्शन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड वेरी सून। फोर्थ एंड फाइनल इलेक्शन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। भार्गव 2,588 वोट्स, सविता 2,648 वोट्स। सविता won the election by 60 votes. मुबारक हो चेयरपर्सन सर। ये देख, इवनिंग कॉलेज के लड़कों ने पंगा शुरू कर दिया। और चल सर, चलते हैं। हम लोग क्या करें सर? अरे अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इनसे पूछो। चेयरमैन, अब क्या किया जाए? सर, ये अननेसेसरी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक बार मैं खुद जाकर भार्गव से बात करना चाहती हूँ। अरे वाह, जरूर जाइए, लेकिन अकेले जाइए। मैडम, ये सिर खुजाते हुए, उंगलियां चटकाते हुए, इधर उधर देखकर, झिझक झिझक कर बातें मत करना, सीधी बात करना। सर, अपने हाथ का वो कड़ा देंगे क्या? ये क्यों चाहिए? दीजिए ना सर। Yeah!
नहीं है तुमसे। आने दो इसे पास, इसका मुंह तोड़ देता हूं। हाँ भाई बोलिए। क्या हुआ? भार्गव हार गया भाई। क्या है? भार्गव मैं कॉन्ग्रेट्स करने आई हूँ। सिर्फ 60 वोटों से जीतना कोई जीत नहीं होती। कॉलेज में एक ही चेयरमैन होना जरूरी तो नहीं? अब से मैं इवनिंग कॉलेज देख लूंगी, तुम डे कॉलेज देख लेना। ओके बाय। कॉन्ग्रेट्स। नॉमिनेशन के टाइम भी मैंने ही हाथ मिलाया था, लेकिन तुमने नहीं। अब तो मिला सकते हो ना? उसका अकेले जाना मुझे सेफ नहीं लग रहा है सर। एक बार मैं जाके देखूं क्या सर? हाथ मिलाओ। ओके। ये क्या भाई, ये तो एकदम ठंडे पड़ गए। उस लड़की से हाथ मिला रहे हैं। तुम पहले फोन से दे। एक मिनट भाई। भार्गव। पापा प्रॉब्लम कुछ नहीं पापा, मैंने उस लड़की से बात कर ली है। डे कॉलेज चेयरमैन मुझे रहने के लिए बोल रही है। उसकी दी हुई भीख की कुर्सी पे बैठना चाहता है तू? पापा ऐसा कुछ नहीं पापा, मैं आपको मिलके बताऊंगा ना। भाई पहले उसे सही सलामत निकाल। ठीक है भाई। जाने में नानुकुल करे तो धमकी देकर भेज। ठीक है भाई। इसे हराने वाले के हाथ पैर तोड़। मैं देख लेता हूं भाई। भाई 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 प्लीज भाई, पापा से मैं बात कर लूंगा। देखो भाई, आपको मुंह बंद करने के लिए बोला गया है, इसलिए आप अंदर ही बैठो। भाई भाई उस लड़की को कुछ मत करना। सर वहाँ पर तो उसने कुछ नहीं कहा, हाथ मिलाकर ओके बोल दिया। बात खत्म, सेलिब्रेशंस आर डन। ए ये लो सब गले में डाल लो। भाई अच्छा सुनो, ये सब कचरा वचरा हटाओ यहाँ से। सर इवनिंग कॉलेज के लड़के बूथ जलाने की बात कर रहे हैं सर, मैंने सुना अभी। ये कौन है बे? प्रोफेसर है भाई। क्या बात है? ये इलेक्शन हम नहीं मानेंगे, दोबारा इलेक्शन करो या रिकाउंटिंग करो। इलेक्शन खत्म हो गया समझे ना। ए बूथ जला दे। कौन से डिपार्टमेंट का है तू? यहाँ बेकार की बकवास मत कर, जान से मार दूंगा, एक एक को ठोक दूंगा। श्री, आराम से, आराम से। ए ए काम डाउन। ए छोड़ यहाँ खड़े रह यार। हे मैं बात कर रहा हूँ ना, इतनी जल्दी क्या है? सर इवनिंग कॉलेज का कैंडिडेट भार्गव आपसे बात करना चाहता है। सर सर मेरे लाख समझाने पे भी मेरे पापा नहीं माने, 50-60 लड़कों को झगड़ा करने के लिए अंदर भेज दिया है। वो लोग बाकी लड़कों के साथ घुल मिल गए हैं सर। सर सर प्लीज सर हमारे लड़कों को बचा लीजिए सर। ऑन द स्टारबोर्ड। क्या हुआ, अचानक घूमने क्यों लगे? ये क्या हो रहा है? नाउ क्लोज योर ब्लडी आईज एंड फ्रीज। ये सब क्या है? ए भाई बताना। अरे दीवार से क्यों चिपक गए? मूव फॉरवर्ड। सुन लड़कियों को संभाल कर घर पहुंचा दे। सर जो कह रहा हूँ वो कर। hey, सभी पीछे से निकलो, जाओ जाओ जाओ, क्विक क्विक फास्ट जाओ जल्दी। पकड़ो उसको। हे सविता, कुछ हुआ तो नहीं ना? सारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं सर। छोड़ उसे, छोड़ दे उसे। लड़की पे हाथ डालेगा, लड़की पे तेरी इतनी हिम्मत। Come on.
ज्यादा नहीं लगी है सर, थोड़ी ही खरोच है। लाइब्रेरी में मीटिंग चल रही है। सब सेफ तो है ना? हाँ, सारे ग्रुप में चेक कर लिया सर, सब सेफ है, मैसेज भी कर दिया। कॉलेज के सभी सीसीटीवी कैमरा में झगड़ा रिकॉर्ड हो गया है। एक प्रोफेसर ऐसा करता है क्या? एक्सक्यूज मी मैम, आप प्रॉपर्टी डैमेज के बारे में बता रही है ना? चार पांच लड़कियों को गुंडों ने कितनी बुरी तरह मारा, उस वक्त बाकी का स्टाफ क्या कर रहा था? कोई वहाँ बचाने नहीं आया। स्टॉप इट चारू, इस कॉलेज में आए हुए तुम्हें एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए चुप रहो। पता नहीं अंदर क्या क्या बोल रहे होंगे ये लोग। मैं अभी आया, मैं जेडी से बात करूंगा, देन वी विल टेक ए कॉल। सर वो अगर फिर से इस कॉलेज में आया तो वी विल रिजाइन सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा मीटिंग क्यों हो रही है। सर मैंने पहले ही लिख कर दे दिया है सर कि मैं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट लीविंग दिस कॉलेज। जेडी जस्ट वेट इन द कार, तुमसे कुछ बात करनी सर। आई सेड वेट। आई अंडरस्टैंड, ये लोग तुम्हारे बारे में जाने उसके लिए एक गैप तो चाहिए ही। तुम्हारा फैसला सही है, तुमने 3 महीने की छुट्टी मांगी थी, मैंने मंजूर कर ली। मैंने छुट्टी कब मांगी? ये साइन तुम्हारे ही है ना सर? बिल्कुल मेरे जैसा है। ओ कम ऑन जेडी, क्लास लेने के लिए तुमने ही तो 3 महीने की छुट्टी मांगी थी ना। क्लास लेने के लिए किस कॉलेज में? कॉलेज एज यू मेंशन्ड, ऑब्जर्वेशन होम। सर मजाक मत कीजिए सर, मैं वहां जाके क्या करूंगा, ये साइन मैंने नहीं किया है सर। वो तो ठीक है, शायद 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद हो सकता है सर। सी जेडी, यू आर लूजिंग कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। इलेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा ऐसा लिख कर दिया है ना, दैट मीन्स यू आर हैविंग समथिंग इन योर माइंड। जाऊंगा सर, जाऊंगा, यहां पर मेरे चाहने वाले बहुत हैं, शायद उन्हीं ने ये काम किया होगा। इट्स ओके, आई नीड अ चेंज टू, जाऊंगा। वहां के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए इंस्पेक्टर तुम्हारे मेंशन में वेट कर रहा है। ओ, तो इसका मतलब वो तू नहीं भैया? है तूने इंफॉर्मेशन नहीं दी है? नहीं भैया। अच्छा, तो मेरे और वकील साहब के बीच जो बात हुई थी वो पुलिस तक कैसे पहुंची? वही तो पता नहीं भैया। अच्छा, वो फिल्मों के गाने बनाता है ना अनिरुद्ध, उसने एक नया गाना बनाया है, सुना है तूने? ले सुन भाई, वो भवानी मन बना चुका है, अगला निशाना आप ही हो, बच्चों के जरिए आपको मरवाने का फैसला कर लिया है। क्यों रे, दो बीवियों के पति? ये तेरी आवाज है या कोई और तेरी मिमिक्री कर रहा है? भैया आपने बुलाया भाई? बच्चों को सब बराबर मिल तो रहा है ना, 3 टाइम का खाना भले ना मिले लेकिन दारू चरस मिलते रहनी चाहिए। ठीक है भवानी, मैं देख ले। भैया हाँ, कहाँ था मैं? आपने ही शादी करवाई और आप ही विधवा बनाओगे? क्या हुआ भैया? बहुत इमोशनल डायलॉग मारा तूने, दिल में दर्द होने लगा, रुक जरा। हे डरता क्यों है? खंजर कमर में घुसा रखा था, बैठे रहने पर यहाँ वहां घुस सकता था ना भैया। वो अगर लोग ऐसा कहें कि दुश्मन के हमले की वजह से भवानी मर गया तो चलेगा, लेकिन कमर में रखे हुए खंजर के घुसने की वजह से भवानी मर गया तो सुनकर हंसी नहीं आएगी? नहीं भैया। नहीं भैया, आराम से बैठ। नहीं भैया, इज्जत दे रहा है। हाँ भैया, फोन पर बात करते वक्त तो साला भवानी ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, अभी भैया भैया। हाँ भैया, आराम से बैठ। नहीं भैया, भैया की इच्छा पूरी नहीं करेगा क्या? हाँ ओए गोपाल। हे हाँ भाई, हाँ भाई, दास को बोलो 10 साल के 2 लड़कों हाँ। को सरेंडर होने के लिए कहे। ठीक है भाई, जाओ भाई। हाँ, अपनी छोटी जेल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक मास्टर आ रहा है। हाँ फिर? पता नहीं आपको पता है या नहीं, इसीलिए बोल रहा था। ए, जेल में मास्टरों का आना आम बात है, इस बात को रबर की तरह खींच कर लंबा क्यों कर रहे हो? अब इसे ठिकाने लगाओ और ट्रक को भी, जाओ। ठीक है भाई। सर कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत डरते भी हैं, लेकिन ये बच्चे किसी से नहीं डरते। उनकी जो उम्र है और वो जो काम करते हैं उसे आप आंक नहीं सकते। अंदर रहने वाला एक एक बच्चा इंसान नहीं है बल्कि राक्षस है। कबड्डी
का बर्थडे। उनके जुर्म की सजा कम है ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनका इस्तेमाल रेगुलर क्रिमिनल्स अच्छे से करते हैं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ अगले 3 महीने तक कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या हुआ सर, वहां जाना है या नहीं जाना यही सोच रहे ना सर? सर हा? लगता है भाई सो गए हैं। सर जरा देखना फोन आपका है क्या? भाई 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 उठो भाई। ये मेरा नहीं है। अरे ये तो भाई का फोन है। हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है सर, मैं जाऊंगा, वो सब मैं देख लूंगा, आप जाइए। सर मतलब आपने फैसला कर ही लिया? ये ले। दास वो मास्टर कल यहाँ आ जाएगा, इस जगह के बारे में जान के भी वो यहाँ आ रहा है, मतलब उसे तुम हल्के में मत लेना। आने दो उसे, अंदर पैर रखने के बाद हम उसका क्या हाल करते हैं देखना। सर 10 बजे अंदर पहुंचना होगा, आप नहा लेंगे तो हम अपनी गाड़ी में निकल चलेंगे। उस गाड़ी में? हाँ सर। ठीक है आप जाइए, मैं नहाकर बाद में आ जाऊंगा। ठीक है सर। ये जगह बहुत बोरिंग है ना। 3 महीने। वो अंदर आकर बोर्ड पर कुछ पढ़ाने लगे तो ये सबको फेंकने बोलना। दास शकल और दाढ़ी से मुझे तो मास्टर जैसा लग नहीं रहा है, ना हाथ में किताब है ना चौक है, दिखने में भी लोकल सा लग रहा है। बकरे को बकरे से ही मरवाएंगे। आवारा कैदी, संभाल के रहना वरना उड़ा देंगे खोपड़ी। सारे बच्चे इधर के हैं थोड़े से पागल, पढ़ाई कराओगे तो सर पे फोड़ेंगे बोतल। नाना नाना तुम कोई कोशिश भी ना करना, वरना बुला देंगे तुम्हें लिखना पढ़ना। अरे रोक क्यों दिया, कितना मजा आ रहा था। अरे वाह, गाना, चित्रकारी, लगता है भीड़ में एक हाथ कभी भी छुपा हुआ है। सही है भाई। अच्छा वैसे तुम सब बाहर खेलने के लिए जा रहे हो क्या? क्यों नहीं जाए क्या? अरे नहीं, मैं यहाँ किसी का मजा वजा खराब नहीं करूंगा। जिसे खेलना है खेलो, जिसे बैठना है बैठो, मुझे धूप अच्छी नहीं लगती तो मैं अंदर ही रहूंगा। पढ़ना वढ़ना है क्या? वेरी गुड है, मुझे मोबाइल में देखते हुए लगता है। ये क्लास रूम बेंच वेंच मुझे पसंद नहीं है। अगर तुम सब चाहो तो ये सब हटा, बाद में देंगे। और हाँ मेरे बारे में, ये बाथरूम और बोर्ड पर चित्रकारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है ना? तुम पढ़ाओगे तो मारकर भगा दोगे सोच रहे थे, तुम तो अलग तरह के मास्टर हो, अपने ही जैसे है ना? अब तो समझ गए ना, काम वाम करने नहीं आया हूं, अब तक यहां क्यों बैठे हो? ये कमरे का क्या हाल बना रखा है, गंदगी और बदबू मार रही है। अरे हर साल 10-10 त्योहार और 20 नेताओं के जन्मदिन आते ही है ना, जब यहाँ सेलिब्रेट करते हो तो ये कमरा साफ नहीं करवाते क्या? सेलिब्रेट मतलब
सेलिब्रेट मतलब? मतलब मजा ना? सही कहा, मजा ही है। यहाँ लड़कों को तो चलना आता नहीं है, तू बड़ा आया। अरे ऐसा नहीं है, अभी जब मैं अंदर आया तो चार लड़के कुछ गा रहे थे, वो कौन थे? हाँ, तुम चार लोग जो गा रहे थे ना, वो अगर तुम 40 लोग मिलकर साथ गाओ, वो होता है सेलिब्रेशन। चलो यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। चल बजा। Let me sing a choti story. Pay attention, listen to me. क्या भाई? English story? Just listen, bro. Let me sing a choti story. Pay attention, listen to me. If you won't take it or else, sky court tension, leave it, baby. Life is very short, Saiba. Always be happy. बड़े बड़े problems will come and go. थोड़ा chill. Man. Let me sing a choti story, pay attention, listen to me. If you won't take it or else, sky court tension, leave it, baby. Life is very short, Saiba, always be happy. Design, designer, problems will come and go. Thoda chill, mere bhai. No tension, baby. Saiba, always be happy. Many, many problems will come and go. Thoda chill, mere bhai. Students, let me sing a choti story. Pay attention, listen to me. If you won't take it or else, sky court tension, leave it, baby. Life is very short, Saiba. Always be happy.
माई छोटी स्टोरी, हाउ वॉज माई छोटी स्टोरी, दैट वॉज माई छोटी स्टोरी, हाउ वॉज माई छोटी स्टोरी। जा जा जा। मास्टर भैया ये तो सो रहे हैं यार, जल्दी से उठाना। सर 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 लेटर जेब में रख दे, लेटर जेब में रखना। सो रहे अरे रखना यार जेब में। क्या कर रहा है? लगता है कोई आ रहा है, रात में फोन पे बात कर लेंगे। चल चल जल्दी कर, अरे निकल यहाँ से, चल यार जल्दी कर। अरे बाप रे, अब बस 3 महीने और बचे हैं, चल निकल बेटा। अरे जेडी बेटा जरा रुकिए। बेटा मैंने भी अभी देखा, पता नहीं किस बच्चे ने किया है। आप साइकिल पर क्यों जा रहे हो? मेरी गाड़ी से चलो, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। बेटा आपके आने से कुछ तो बदलाव आएगा सोचा था। लेकिन क्यों, अच्छा तो चल रहा है, सारे बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं। बेटा यहाँ बहुत परेशानियां हैं, नई उम्र के बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं, हाथ में जो मिलता उसे हथियार बना लेते हैं, आए दिन कोई ना कोई अपने हाथ पर तोड़वा लेता है। अरे ये सब मुझे क्यों कह रहे हैं, पुलिस वाला हूँ क्या? I'm just a teacher here. सर आपको समझ में नहीं आ रहा सर, गलती करो तो पुलिस पकड़ती है, कोर्ट सजा देती है, लेकिन इन लड़कों को अच्छा भला सिखाकर पाठ पढ़ाना हमारा काम नहीं है सर, आपके जैसे मास्टर का काम है। ठीक है गेट बंद कर लो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बस बस आ रहा हूँ। हाँ ठीक है बंद कर। क्या हुआ भैया? 10-15 बार फोन कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। फिर से करके देखो भैया। हाँ। नहीं उठा रहे हैं यार। भैया चारू दीदी का नंबर याद है क्या? हाँ। तो उन्हें फोन लगाओ ना। हाँ। जल्दी करो भैया। दीदी सुनो। हाँ। बोल रहा हूँ दीदी, आप हमसे होम पे मिली थी ना भैया। हाँ, भैया हाँ, 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 जल्दी करो। हेलो सुचो। हेलो चल 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 भैया चल। खाना खाओ भाई। रहने दो भाई। क्यों क्या हुआ? भूख नहीं लगी। भूख नहीं लगी? खाने को बोल रहे हैं ना। उल्लू के पत्ते। इसी जगह पर खाने के लिए कितना तड़पा था गधा कहीं का। ए पानी दे तो भैया, मुझे डर। बिरयानी में लेग पीस मिलना किस्मत होता है, इसके लिए खून भी हो जाते हैं, खाना वेस्ट नहीं करते। खाओ खाओ। पानी ला बस। मेरा फोन जो इसने चुराया था। किसे फोन किया था? किसी को नहीं किया था भैया। किसी को नहीं? बताओ किसको फोन किया था? नहीं जानता। मास्टर को किया था। हाँ
वो नए मास्टर आए हैं ना उनको। मास्टर? हाँ भाई छोड़ो ना भाई, वो नशेड़ी है। क्यों किया मास्टर को? बचपन में मेरा बाप मर गया, पेट पालने के लिए चोरी किया तो फंस गया, फिर किसी ने झूठा आरोप लगा के यहाँ सुधार गृह में भेज दिया। भैया हमारी सजा खत्म होने वाली है, लेकिन ये है कि खून के केस में सरेंडर करने को बोल रहा है। ये बात मेरी माँ को पता चली तो वो मर जाएगी भैया। तुमने मास्टर की बजाय मुझे कॉल किया होता ना, तो जो इंसानियत मुझ में बची है उसके चलते तुझे सरेंडर करने के लिए नहीं कहता। तूने सरेंडर ना होने का सोचा वो गलत नहीं, लेकिन यहाँ की बातें बाहर बताई ये तूने गलत किया। अच्छा बेटा तुम बताओ, तुमने गलती की या नहीं? हाँ, गलती की। गलती की ना? अब बिरयानी खाना बंद करो। नहीं नहीं, नहीं छोड़ो छोड़ो, मुझे दे दो। हे, इसे रखो। भाई हम लोग तो अभी बच्चे हैं, अपना भाई समझ के माफ कर दीजिए ना प्लीज भाई। देख बेटा, बच्चों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मुझे छोड़ दिया था, देखो आज कैसे दिमाग चल रहा है। बोलो आप क्या करें? हम ऐसा नहीं करेंगे भैया, किसी को बताएंगे भी नहीं। देख बेटा, दुनिया में किसी से भी डरना, लेकिन सामने अगर मौत खड़ी हो ना तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे मारकर खुद को और अपने भाई को बचा ले। क्या रे, जब बच्चों ने फोन चुराया तू क्या कर रहा था? ऊपर से ये कह रहा है कि बच्चों ने मेरा फोन चुरा लिया। जवाब दे, तुम लोगों का 1 मिनट रह गया, जल्दी फैसला करो। तू जा रहा है? मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसी की उम्मीद थी। उठिए सर, जल्दी उठिए सर, मैं पीसी राजेश्वर हूँ, उठिए जल्दी उठिए सर, उठिए। स्कूल 10 बजे का है, अभी उठकर क्या करूं? भगवान, प्रॉब्लम हो गई है, इंस्पेक्टर ने तुरंत आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर ने क्यों बुलाया? जल्दी चलिए, समझने की कोशिश कीजिए। उठिए सर, जल्दी चलिए। उठ रहा हूँ, आप ऐसे हिलाइए मत, मैं आता हूँ। जाइए, मैं आता हूँ, आता हूँ। इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, बच्चों को हाथ लगाया था क्या? बोलना। ए, पूछ रहा हूँ, बताना। सर, ये सब क्या है? तो इससे तो यहाँ नहीं, थाने ले जाकर बात करनी होगी। सुनो, इसे गाड़ी में बैठाओ। ठीक है सर, मेरे को कमरा चेक करो। भवानी, हम भी साथ चलें क्या? मुझे अकेले ही बुलाया है, मैं संभाल लूंगा। और हाँ, वो हाँ मास्टर है ना, उसे अंदर डाल दिया है। 15 साल से जब मैं छोटी जेल से आया हूँ, शुरू के 5 साल तो अच्छे थे, इन तीनों को टपकाने के बाद एसोसिएशन की कुर्सी पर बैठना था, 2 तो निकल चुके हैं, बस अब ये 1 बचा है, उसने ही मुझे बुलाया है। ये जरूरी है या वो मास्टर जरूरी है? हाँ वही जरूरी है। तो इस मास्टर का अब क्या करें? उसे मैं देख लूंगा। पक्का? देख लूंगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलूं? हाँ हाँ हाँ, देख लूंगा, देख लूंगा। ठीक है, हे चल। आइए माँ जी। आप कहाँ जा रही हो? सर 2 मिनट सर। जल्दी आइए, साहब आने वाले हैं। तुम भी उन दोनों बच्चों की माँ हो क्या? नाक तक भरकर पी होगी ना? 10-12 बार लगातार अगर एक ही नंबर से कॉल आ रहा है तो आपको समझ में नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, चारों देख क्या रहे हो? इस कॉलेज में आने से पहले मैं एक एनजीओ में वॉलंटियर थी।
जिस ऑब्जर्वेशन होम से आप आ रहे हैं वहाँ से कंप्लेंट आई थी तो मैं इंस्पेक्शन के लिए गई थी। वहाँ जाकर मैं उन दोनों बच्चों से मिली थी। उन्होंने मुझे वहाँ होने वाले कुकर्मों के बारे में बताया, पर मैं लीगली उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। धमकियाँ मिली। मैं यहाँ उसी केस के सिलसिले में आई थी, पर इसके लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैंने लेक्चरर की नौकरी की। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए आपको खड़े होते देखा तो मुझे नई उम्मीद मिली। मुझे भरोसा हो गया कि मैं ये सब बदल सकती हूँ। मैंने ही आपके साइन किए थे, इस काम के लिए मैंने ही अप्लाई किया था। फाउंडर भी ये बात जानते हैं। अब लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर आप नहीं होते तो एटलीस्ट वो बच्चे तो आज जिंदा होते। अब उन दोनों की जान चली गई है। क्या जवाब है आपके पास इसका सर? देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। क्योंकि आप कभी सुनने की हालत में नहीं रहते। आपके सामने कब कौन क्या बात करता है आपको पता भी रहता है सर? नहीं, देखो मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इसीलिए मैं घर से बाहर गया ही नहीं। और मैं तो रो भी नहीं सकता, मुझे रात में ना रोना आता है ना नींद आती है, बस पीता हूँ। सच कहता हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ओह, आपको रोना नहीं आता ना? चारू, चारू कहाँ लेकर जा रही है? दोनों को नशे की आदत थी क्या? मैं क्या करूं? ये लोग तुम्हारे साथ हैं क्या? बच्चों की माँ। मैंने उस औरत से कहा था कि कोई आएगा, आपके बच्चों को बचाएगा। क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पिछले हफ्ते मेरे बड़े बेटे ने कहा था कि भाई को स्कूल भेज देंगे और मैं काम पे जाऊंगा, कोई मास्टर आने वाला है हमें बचाएगा, ऐसे भरोसे से बोला, कोई नहीं आया, मेरे दोनों बच्चे मर गए। ओए, कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना। आप जब बुलाएंगे तो आना होगा थाने पे, समझ गया ना? अगर नहीं आया तो खाल खींच लूंगा। सुनो, इधर आओ, चलो जाओ। सर, कौन है ये लोग? सर, ये मास्टर के साथ कॉलेज में काम करती है। उन सबको भेज दो और मास्टर को लॉकअप में डालो। हाँ ठीक है सर। सुनो सर, बाकी के अपराधियों को बाहर निकाल दो। ओके सर। अब भी रोना नहीं आ रहा है ना? आपको तो मरने से पहले भी रोना नहीं आएगा। जाओ जाकर और दारू पियो। आने में बैठकर रो क्यों रही है? मुंह बंद कर, बोला ना मुंह बंद कर। मैडम, एक बार में बात समझ में नहीं आती, जाइए यहाँ से, जाइए ना। अब आइए सर। सच कह रहा हूँ सर। आइए सर। क्या सर, ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। इनके बच्चों की मौत का पाप आप पर ही लगेगा, ये भूलना मत। मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लो। सर, पढ़े लिखे हैं इसलिए इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन आप बात समझ नहीं रहे। चलिए जाओ, लेकर जाओ इन्हें। मैं क्या करूंगी? ए, तुम्हारा। अरे साहब, बड़ा मच्छर काट रहा है इधर, कुछ इंतजाम करो ना। अंदर जाइए। ए, देख भवानी, इलेक्शन में खड़े होने वाला तेरे और मेरे अलावा कोई तीसरा नहीं है। मुझे भाई के लेवल तक पहुंचना है। बारिश होने वाली है, चाय पीते पीते बात करें। मास्टर, मेरा नाम सबरी है, मेरे भैया का नाम मणिकंदन। मुझे बहुत भूख लगी थी ना, तो मेरे भैया ने एक बेकरी में चोरी की थी, लेकिन कोई दूसरा केस बनाकर हमें यहाँ पर ले आए। यहाँ सब गलत हो रहा है मास्टर, हमें मारते हैं, मुँह में कोई पाउडर डाल देते हैं, उसे खाते ही आंखें घूमने लगती हैं मास्टर, ना दिन ना रात कुछ समझ नहीं आता। ये सब थोड़े ही दिन के लिए है, ये सोच कर सहन कर गए, लेकिन अब रिलीज के वक्त किसी खून के केस में सरेंडर होने के लिए कह रहे हैं, वरना मेरी माँ को मारने की धमकी दे रहे हैं मास्टर। चारू दीदी ने कहा कि आप आओगे,
और हमें बचाओगे जरूर। हमें बचा लीजिए मास्टर। मेरी माँ बेचारी अकेली है दुनिया में, रोज रोती रहती है। अब बोलो। देखो भवानी, मुझे भाई के लेवल तक पहुंचना है, उसी समझौते के लिए तुम्हें यहां तक बुलाया है, लेकिन तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम कभी भी उन बच्चों के जरिए कुछ भी कर सकते हो। मुझे रोज रोज घर से बाहर डर डर के कदम रखना पड़ता है, इसीलिए इसलिए मुझे यहां बुलाकर मारने का प्लान बनाया है ना। कमाल है, किसी को मारने के लिए उसे बुलाकर, उसे बिठाकर, चाय पिलाकर। भाई अब तुझे मारने वाला है कहकर उसकी परमिशन लेने वाला तू इकलौता है, परमिशन की भीख मांग रहा है। कैसा बड़ा आदमी है रे तू। तुझे मारने के लिए सही दिन सही मौके की तलाश मुझे कब से थी। ए होशियारी नहीं, तुझे 2 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे मारकर खुद को और अपने लोगों को बचा ले। जल्दी आओ यार, ये एक को मारने के लिए इतने लोग आए हो। तुम गेट खोलो यार। संभल कर, सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से काम खत्म करके बाहर आ जाओ। हे, घूम कर बैठ, चला आया तमाशा देखने। मुरली इधर आओ, ऑफ करके आओ। दोबारा पैदा हुआ तो मेरे हाथ मत लगना। नहीं भवन, छोड़ दो मुझे। वो मुझसे मच्छर छाप अंदर मांग रहा था। क्या मास्टर, भाई ने बस टिकट भिजवाया है, वॉल्वो बस है, एसी स्लीपर, रात को निकलेगा तो सुबह तक गांव, समझा ना। अबे अगर नहीं जाने की जिद करेगा ना तो सुबह जो 2 बच्चों को लटका हुआ देखा था उसी तरह लटका देंगे तुझे। हम यहाँ बात कर रहे हैं और तू लव लेटर पढ़ने में लगा हुआ है। सबरी मनी गंडन, ये तो वही है जो सरेंडर होने से मना कर रहे थे। सर, अंदर से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है, जाने तो देख लेंगे। अरे
सर आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। ठीक है जाकर देखो। ठीक है सर। मार न डाले, थोड़ा जल्दी आइए सर। दरवाजा खोलो। ए चौधरी, अरे दरवाजा खोलो। ए दरवाजा खोल, कहाँ था? ए चौधरी। हाँ बोल। भवानी, मास्टर, मास्टर। तू कौन है? इसके पीछे कौन है? तू क्या करता है? इन बच्चों का इस्तेमाल क्यों करता है? ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन पता लगा लूंगा। बच्चों के पीछे दुबक कर अपने काम को अंजाम देने वाले कुत्तों का पता लगा लूंगा। तुझे ढूंढते हुए तेरे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। और उन दोनों बच्चों की मौत का बदला लेकर ही रुकूंगा मैं। मास्टर, मैं तुझे कोई नई बात कहने नहीं जा रहा, फिर भी मेरी बात सुन ही ले। आई एम वेटिंग। ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, मैं आ रहा हूं। अरे दास भाई मुझे बचा लो, बहुत डर लग रहा है, ये दोबारा आ गया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है क्या? दास भाई बचा लो मुझे। अरे अब हमसे पंगा कभी मत लेना, वरना सबक तो सिखाएंगे तुमको। क्या मास्टर, जब से उस रस्सी को ही देख रहा है, झूला झूल रहा है क्या? वो कौन सा गाना था रे? Let me tell a छोटी सी story. अबे छोटी नहीं बे, sad story. Let me tell a sad story. छोटी सी, टेढ़ी सी, ऊंची सी, नीची सी story. अरे मास्टर जरा चिल कर, सुन ले तू story. अरे मास्टर जरा चिल कर मास्टर। यहाँ पर बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक दिन रात सिर्फ नशा ही चलता है सर। नशा करने के बाद वो खुद भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दोनों पे बहुत से क्रिमिनल केस थे, दोनों के दोनों जहर थे साले। दोनों मरते वक्त नशे में चूर होकर ही मरे होंगे। ना अपने घर वालों की बात सुनते थे, ना हमारे रूल्स मानते थे, खुद अपने लिए अलग से नया रूल्स निकाल देते थे। इतना ही नहीं, 10-12 साल में बीमारी लेकर जेल में आ जाते हैं, वो दोनों नशेड़ी थे। किसने बोला ऐसा सर कि वो दोनों क्रिमिनल थे? दोनों के दोनों हीरे थे। ये जो दो लड़के मरे हैं, इन्होंने मेरी जान पहचान की एक लड़की से फोन पे बात की थी। आप चारू की बात कर रहे हैं क्या? हाँ चारू ही। मैं चारू को जानता हूँ, उन दोनों बच्चों को किसने मारा मैं ये भी जानता हूँ। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इन नशे की चीजों को अंदर लाने से हम रोक नहीं पाए सर। सर आपके होते हुए नशीले पदार्थ अंदर कैसे आते हैं? सर उन्होंने उसके लिए बहुत सारे रास्ते बना रखे। यहाँ वार्डन की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता सर। जेल के अंदर बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते हो, ये रूल बुक में लिखा है, और इसी बात का फायदा उठाकर सर पर नाचने लगते हैं। दूसरों का डर ही इनकी ताकत है, ये सोचते हैं ये नशेड़ी बच्चे। लेकिन बेचारे भवानी के हाथ में आकर फंस चुके हैं। ये भवानी कौन है? शैतान है। भवानी कौन? भवानी ऐसा कोई नहीं है। हाँ सर, ये फालतू के सवाल पूछना बंद कीजिए, अपने दूसरे कामों को देखिए ना, ठीक है? चलते हैं सर, चल बे। हाँ Oh,
इससे पहले यहाँ के लोगों को बदलने की कोशिश करने वाला हो सकता है अपने परिवार की जान के डर से यहाँ से भाग गया हो, लेकिन मेरी कहानी अलग है। मेरा ऐसा कोई नहीं है सर। जिस दिन अपनी आंखों से उन दोनों मासूम बच्चों को फांसी पर लटके देखा, वो आंखें, वो सुभान, मैं तो उसी दिन मर गया। अगर आपने मेरी हेल्प की ना, तो मैं इस जगह को बदल कर रख दूंगा। इस बीच मेरी जान भी चली जाए तो फिक्र नहीं सर। मैं समझ सकता हूँ सर, आप रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके कानूनन जो भी करोगे ना, आपके पीछे मैं खड़ा रहूंगा सर। को कर दे अब मना, बस कह दे हाँ, ना चाहिए अब साथ मुझे तेरे साथ का। हाँ नशे को है मुझे क्विट करना, अब है ये गेम जरा ऑफ करना। बहुत हो चुका है अब खुद से लड़ना, है मेरी जान नशा माफ करना। नशे को है अब मुझे क्विट करना, अब है ये गेम जरा मुझे माफ कर दीजिए मुझे। बहुत हो चुका है अब खुद से लड़ना, है मेरी जान नशा माफ करना। नशे को है मुझे क्विट करना, अब है ये गेम जरा ऑफ करना। बहुत हो चुका है अब खुद से लड़ना, है मेरी जान नशा माफ करना। मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझो भवानी, जब से गुरुमूर्ति मरा है उस पोस्ट पर खड़े होने से सब डर रहे हैं। मैंने जिलाधिकारी से बात कर ली है, आने वाले दो दिनों में तुम्हें गुरुमूर्ति की कुर्सी मिल जाएगी। इधर आ। भाई ये लड़की सारे फसाद की जड़ है, केस भी इसी ने किया है, अपने लड़कों ने भी फोटो भेजी है, आप बताओ इसका क्या करना है। एक लड़की को संभाल नहीं सकता, पंडित से शुभ दिन निकलवा ले, चल जा। भवानी उस पोस्ट पर कोई और आ गया तो भी वो तुम्हारा गुलाम बनकर ही रहेगा, फिर तुम्हें क्यों उस कुर्सी की जरूरत है। खून किया तो उसका डर थोड़े दिन ही रहता है, अगर वही काम पावरफुल कुर्सी पर बैठकर करो तो उसका डर जिंदगी भर रहेगा। इसके बाद मैं राजनीति में आऊंगा, पता नहीं वहां जाकर कितने लोगों को मारना पड़ेगा। समझा नहीं भवानी। ऊपर वाले की कृपा रहे, इल्जाम बच्चे अपने सर ले लेंगे। हीरो लग रहा है। सही बोला रे, इसका तो स्टाइल ही बदल गया। लगता है मास्टर आज पढ़ाने के मूड से आया है। इसकी शादी हो गई होगी क्या? अगर शादी हो जाती तो इसकी बीवी हीरोइन जैसी होती, अच्छा रहता ना। सब अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो जा, जिसकी हाइट कम है वो आगे, जिसकी हाइट ज्यादा है वो पीछे। कम ऑन फास्ट। ऐसे स्टाइल में बोलेगा तो हम डर जाएंगे क्या? चुपचाप से कोई और काम कर जाकर। अरे मास्टर साहब जो बोल रहे हैं थोड़ी उनकी भी सुन लो यार। मैं आखिरी बार कह रहा हूं यार, सब हाइट वाइज खड़े हो जा। अबे मास्टर हाइट के हिसाब से मैच नहीं कर सकते हैं, कारनामे के हिसाब से जरूर खड़ा कर सकता है। ये सांड जैसा खड़ा हुआ है ना, पिक पॉकेट का केस है, बहुत शातिर है, लेकिन अपना रवि है ना खून के केस में है, निडर है, इसका कारनामा सबसे बड़ा तेरा है ना। नाम क्या है? तुझी से पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या है। मास्टर मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता, पता है ना। सर बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, कानून है। बेकार में बच्चों पे हाथ उठा के कहीं फंस ना जाओ इसलिए समझा रहा हूँ। लगता है सर ने नई शर्ट पे स्त्री की है इसीलिए। बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकता ना। क्या प्रॉब्लम है सर आपकी? क्यों मार रहे हैं आप? मास्टर हैं तो हमें मारेंगे क्या? हम भी यहाँ के वार्डन हैं।
बच्चों को मारना मना है, इतना ही तो बोला था, उसके लिए हमें क्यों मार रहे सर? व्रत में हूँ सर, भगवान की माला पहना हूँ सर। अच्छा, तुझे गांजा बेचते वक्त माला का ध्यान नहीं आता? भारत, सीबू, मुतुस्वामी, धनुष, उदय, वेंकटेश, स्टीफन, विल्सन। इंस्ट्रक्शन देना है, सभी एक लाइन में खड़े हो जाओ। भवानी, वो मास्टर कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। सभी वार्डन को मारकर बीड़ी, गांजा, फोन सब कुछ जेल के अंदर ही जलाकर राख कर दिया उसने। अब क्या करना है उसका? एक मास्टर में इतनी हिम्मत कहां से आ गई? उसके पीछे कौन कौन है पता लगा कर रखो। अरे आशिको, जरा काम भी करवा। ये ले, खाएगा क्या? क्या मास्टर, ये तूने अच्छा नहीं किया, मुझ पर तो हाथ लगा दिया, लेकिन मेरे दोस्त को हाथ लगा के दिखा, तब बताएगा तुझको। बाबू बोल रहा हूँ, सुन ले, अपने ब्लॉक पे जा। चल। वार्डन। सलाम भाई। हाँ सलाम। कौन है वे बालों को हाथ लगाने वाला? बाल कटाने पड़ेंगे, ऐसा कोई कानून है क्या? क्या मास्टर, रूल्स नहीं पता है क्या? क्यों सबके इधर बाल कटवा रहा है? हाँ मास्टर, मास्टर छोड़ मुझे। तू किसे हाथ लगा रहा है जानता नहीं? क्यों पंगा लिया, उसका पछतावा रहेगा तुझे। लगा दिया ना। अरे बाप रे, डर लग गया। ए दीना। हाँ सर। बाकियों को तू साफ कर ले। ठीक है सर। जाओ। मैडम देखना, अगले हफ्ते से ना सब पहले की तरह हो जाएगा, देख लेना। चलता हूँ मैं। इस उम्र में निकोटिन लेते हुए मैंने किसी को नहीं देखा जेडी। मुंह खोलो तो तंबाकू की दुकान दिखती है। एनीवेज, अभी मैंने 6 लोगों के सैंपल ले लिए हैं। कितने दिन लग जाएंगे? 1-2 दिन में बता दूंगी। थैंक्स मालिनी। आधी मूछ काट कर छोड़ दिया, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। सबके सामने नंगा कर दिया उसने, सबके सामने मेरा सिर झुका दिया। हमारे धंधे में दुश्मन आते जाते रहेंगे, सबके लिए इतना गुस्सा करेगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसे थोड़ा आराम से हैंडल कर, सोने मत दे, मेंटली टॉर्चर कर उसे। ठीक है, उसे मैं देख लूंगा।
क्या हुआ? गेट खुला हुआ था। ए, तू जाके चाबी देखना। जा जल्दी जा। अरे जाना, जल्दी जा। चाचा, किसी को भी बाहर मत छोड़ना। सबको क्लासरूम में बंद करना। ए, चलो, 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 ये तो मार खाओगे। चलो, 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 चलो। हेलो चाचा। हाँ, बोलो मास्टर जी। अपने लड़कों में कोई मिसिंग तो नहीं है ना? नहीं सर, यहाँ पर 63 के 63 पूरे हैं। हमारे लड़कों में से कोई मिस नहीं हुआ। लगता है वो लोग पक्का बाहर से आए थे। मास्टर, हाथ उठाने का अंजाम देखा, इसीलिए तेरे बॉडी पर लकीरें खिंचवा दी। ये सीन डेली रहेगा। आज रात हम यहां से भाग जाएंगे। दम है तो रोक ले। मैं गाड़ी आराम से चलाते जा रहा था। अब अनजाने में चढ़ाई या जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई, ये तो भगवान ही जाने। ये आपको परेशान कर रहे हैं सर, जिससे कि आप गुस्सा होकर उन लोगों पर हाथ उठाओ। इसी को वजह बनाकर वो आपको यहाँ से भगाना चाहते हैं। आप गुस्से में कुछ कर मत देना सर। पैर ही टूटा है ना, हाथ तो सेफ है। सॉरी यार, मैं कुछ कर नहीं पाया। छोड़ जाने दे मास्टर, तू करता भी क्या? मुझे डर इस बात का है, मुझे कबड्डी खेलने को बोलेंगे। अपने पसंद के बच्चों के साथ हमें खेलना होगा। अगर हम हार गए ना, तो इस महीने टंटा बनना पड़ेगा। टंटा मतलब? अरे वही जो बाया हाथ दाया हाथ, वो जो बोले वो काम करना होगा। मैं तो हार ही जाऊंगा, मुझे तो हमेशा टंटा ही बनना पड़ता है मास्टर। इन लोग की चुगली की थी ना, उसी का बदला लेने के लिए खेल के बहाने मुझे सताना चाहते हैं ये लोग। ओए लंगड़े, आ ना इधर देख, इधर देख ना। तुझे ही बुला रहा हूँ, तू आएगा या मैं वहां आकर तुझे उठा कर ले आऊं। मार खाने के दर्द से भी डर का खौफ ज्यादा होता है, तू हिम्मत से जा। ओए जरा देख क्या हुआ। दास वो देख आ रहा है।
बोलो मालिनी। आगे बढ़कर मास्टर से हमारी चुगली की थी ना, अब आना। ए, मुझे सब पता है, मानव अगर कबड्डी खेलता तो पक्का जीत जाता, इसीलिए उसका हाथ तोड़ दिया ना। वो होता तो हरा देता मुझे। हाँ बे, वो होता तो पक्का हराता। ठीक है, तुझे जिसे भी बुलाना है जाके बुला ले। किसी को भी बुला सकता हूँ ना, फिर जुबान से पलट मत जाना। हाँ बुलाना, आज तेरा मुंह तोड़े बिना वापस नहीं भेजूंगा। बोलो मालिनी। मैंने रिजल्ट चेक कर लिया है, उन छह लड़कों की उम्र पक्का 20 के ऊपर है। ये क्या कह रही है? किसी की भी उम्र 18 से कम नहीं है। कंफर्म बोल रही हूँ कि कोई भी 18 के नीचे नहीं है। क्यों मास्टर, तुझे इस खेल का नाम तो पता है ना, ये क्रिकेट या फुटबॉल नहीं है। सांसें नहीं टूटनी चाहिए, पता है ना। इसमें रूल्स ही अलग हैं, छूकर वापस नहीं जाना है, उसे लाइन से बाहर फेंकना होगा। बोल, मंजूर है ना? तो आ जा। मास्टर जैसे ही आ गया गिरा देना। पीछे 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 छोटे बच्चों के हाथ उठाएगा, उनका हाथ मरोड़ेगा तू? कबड्डी 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 कबड्डी
लाइन देख। अगर आइंदा इन बच्चों पर तूने हाथ उठाया ना तो मास्टर। मास्टर क्या है? ये सब बोल सकते हैं क्या? इधर कैमरा है। बोल कोई बात नहीं। ठीक है मास्टर, मेरे पैदा होते ही माँ मर गई। सामने वाली दीदी ने ही मुझे पाला। उस दीदी को ही मेरे बाप ने सोने के लिए बुलाया, इसलिए मैंने पत्थर उठाकर बाप के सर पे मार दिया। तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया और इधर डाल दिया। फिर मैं दास और बाकी लोग के हाथ में फंस गया, और तभी से जो दास भाई बोलते हैं वो हम करते हैं। दास भाई आते हैं, किस किस को नशे की पुड़िया की आदत है वो देखते हैं, पाउडर दारू और सिगरेट मंगा लेते हैं वो। यहाँ पर किसी ने भवानी को देखा है क्या? मास्टर ये नाम सुना तो जरूर है पर किसी ने उनको देखा नहीं है। यहाँ सब कुछ दास भाई है, हमें उनका कहना मानना ही पड़ता है। हाँ मास्टर, सरेंडर होने को कहे तो आग बंद करके खड़े हो जाओ वरना उल्टा लटका देते हैं। कुछ दिन पहले ही दो लड़कों को लटकाया था, आपने देखा था ना मास्टर। तुम लोग घर जाके जीना चाहते हो या यहीं सड़ना चाहते हो? घर जाना है मास्टर। घर जाना है मास्टर। 10 दिनों से हम यहाँ पर हैं, अब तक हमने कोई भी नशा नहीं किया, अब हम सच में खुद को पहचान रहे हैं। हम लोगों को बचा लीजिए मास्टर। अगर मेरा कहना मानोगे तो अपने घर जाकर खुशी से रह सकोगे। मानोगे क्या? मानेंगे। सच बोल रहा हूँ। मेरे सामने जो कहा वो मजिस्ट्रेट के सामने कहना पड़े तो कहोगे क्या? हाँ, कहेंगे। सर, वहां तक ले जाने की सारी फॉर्मेलिटीज मैं तैयार कर दूंगा। थैंक यू। ये वीडियो एविडेंस चारू के पास ही रहने दीजिए, जब आप कहेंगे मजिस्ट्रेट को दे देंगे। मास्टर हमारी बातें तो हमारे मुंह से ही निकलवा ली, वैसे अपनी कहानी तो सुना ही नहीं, बताओ ना सुनते हैं। हे तुम भी बोलो ना, मुंह में लड्डू रखा है क्या? मेरी बात मानो, रहने दो। कोई बात नहीं, बच्चे जानना चाहते हैं ना, बताता हूँ सुनने दो। तब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, शायद फाइनल ईयर में था, और तभी हमारे कॉलेज में एक नई टीचर आई थी, उनका नाम चांदनी था। धूम धड़ाका क्या प्यार चला था। अचानक से उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया, सारी पुरानी बातें भूल गई, मैं कौन हूं ये भी भूल गई, वो मेरा प्यार भी भूल गई। फिर जब उसकी शादी हुई तो मैं उसकी शादी में जाकर उसे बुके भी दे आया था। उसके बाद तुम सब इमोशनल क्यों हो रहे हो? अब उस लड़की को पुरानी बातें याद नहीं है मास्टर, ये टीचर ही वो दीदी है ना? ये दीदी तो अब टीचर बनी है, वो तो जब मैं कॉलेज में था तब चांदनी टीचर थी। अरे तुम लोग साउथ की फिल्में नहीं देखते क्या? भाषा समझ नहीं आती ना इसलिए देखता नहीं। ठीक है टाइम हो गया, अब सब जाइए, कल सुबह मिलेंगे, कल क्लास है ना? जब भी कोई आपकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछता है तो फिल्म की कहानी सुनाकर खुद को भी धोखा देते और दूसरों को भी, ऐसा कब तक चलेगा? कौन सी फिल्म की कहानी है? नाटक मत करो, अभी जो सुनाई वो फिल्म की कहानी थी। बाप रे बाप, इस पे इतनी जल्दी फिल्म भी बन गई, इन लोगों ने तो इसका धंधा बनाकर रख दिया है। ठीक है ओके, अब आप क्या जानना चाहती हैं कहिए। आपने दारू पीनी क्यों शुरू की? पीने की हर किसी की कोई ना कोई वजह होती है, जाने दो उसे। अब मैंने क्यों पीना शुरू किया ये जानकर चार लोग उसी वजह से अगर पीना शुरू कर देंगे, बता ये जरूरी है क्या? गलत है ना? ठीक है मैं क्यों पीता था इसकी वजह नहीं बताऊंगा, क्यों छोड़ दी बता सकता हूं, बताऊं क्या? वो मुस्कान आँखों का देखूं जब जब प्यार आता, दिल जब उसके पास जाता, मानो सब कुछ मिल जाता। Handsome hai sabse, pyara hai rab se, class.
चाहता। जेडी का माँ बाप कोई नहीं है, एक जंगली पेड़ की तरह बड़ा हुआ। इस कॉलेज में आने के बाद एक प्रोफेसर से मुलाकात हुई, उससे लगाव की वजह से ही उसकी जिंदगी में बदलाव आया। वीसी सेल्बम, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड अ हेल्थ इश्यू। ट्रीटमेंट की जगह पे दैट रियली शैटर्ड जेडी। उसके बाद वो होश में नहीं रहा, दैट ब्लडी अल्कोहल टुक ओवर हिम। क्या है, जाने दो मुझे। हाँ बोलो चारू। सर पता नहीं कौन है सर, दो तीन लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। चारू तुम इस वक्त कहाँ पर हो? शिव मंदिर के पास हूँ, मंदिर के ऑपोजिट वाले रोड पर। देखो भाग रही है। चारू कहाँ गए? आ जा जा, भाग गए भाई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं। चारू डरो मत, मेरी बात सुनो, मैं लड़कों को भेजता हूं। किसी दुकान में घुस जा। आ गई सर। हाँ जरा स्पीकर ऑन करना, क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बस कुछ देर के लिए इस लड़की को कहीं छुपाइए। मैं लड़के भेज रहा हूँ, प्लीज। ओ भाई ये धंधे का टाइम है, मैं ये सब नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। क्या बेटा तुम जवान लड़के हो ना, हिम्मत वाली बातें करो। बेटा मैं संभाल लूंगा, तुम घबराओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। यहाँ कोई लड़की आई क्या? नहीं। मास्टर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई यहाँ पे कोई नहीं है। बेटा अंदर कहाँ जा रहे हो? यहाँ कोई नहीं है बेटा, बोला ना बेटा। ए बुड्ढे चुप कर रहा। तूने खुद दे दिया तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, अगर मैंने खुद निकाला तो। रुकना मास्टर, इस लड़के को कहीं देखा है मैंने। दीदी फोन उसकी तरफ घुमाओ जरा। ओए लंगड़े। ए बटन कैसा रे? अरे ये तो अपना लंगड़ा है यार, तू क्या कर रहा है वीडियो कॉल पर? ए तू मेरी दीदी के पीछे क्यों पड़ा हुआ रे? इधर दीदी है। हाँ बे। ए पता नहीं था यार, इसको टपकाने का मैसेज आया था इसलिए पीछा कर रहा था। वैसे इनका पीछा क्यों कर रहा है तू? क्या था वो कैमरा? हाँ इसके पास कोई कैमरा है, वो देने को बोल दे, मैं छोड़ दूंगा। दीदी वो जो मांग रहा है ना उसको दे दो, हम दूसरी तरफ से हैंडल कर लेंगे। हाँ ठीक है ना? दे दो ना दीदी। ए बटन मेरी दीदी को सॉरी बोले बिना ही जा रहा है, चल सॉरी बोल। सॉरी दीदी। ए तुम सब भी बोलो बे। सॉरी दीदी। ये हुई ना बात,
मास्टर बात बन गई, दीदी अब सेफ है, आप उनसे बात कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। ना 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 यार, भरोसा करो या ना करो, मेरी बात मानो और मजा करो। ओए 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 ओए, ये जो तेरा बदन है जलवा, ये तेरी आंखें भी जलवा। ए, कौन हो तुम लोग, आखिर कर क्या रहे हो? ये देख, ये कैसा निशान है? ये ना, यहाँ जो भी आता है ना, उन लोग के तरीके देखकर दास भाई ट्रेनिंग देते हैं, फिर यहाँ से जाने के बाद ये निशान गुदवा लेते हैं। ये निशान दिखाओ ना, जितना मन करे उतना खा सकते हो। बड़े लोग को तो दारू सिगरेट भी मिलती है, कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीद सकते हैं, दवा दुकान पर नशे की पुड़िया मिलती है। लेकिन एक बात है, हमें ना बीच बीच में सरेंडर होने को भी बोलते हैं। मुझे नहीं होना, इसलिए मैं पीछे खड़ा हूँ। नाम तो सुना है पर किसी ने उनको देखा नहीं है मास्टर। यहाँ सब कुछ दास भाई है, हमें उनका कहना मानना ही पड़ता है। नई फिल्म चल रही है क्या? होने को कहे तो आप बच्चे खड़े हो जाओ, वरना उल्टा लटका देते हैं। ये बच कैसे गया? पता नहीं भवानी, लड़कों को कहा तो था लेकिन कैसे मिल चुका। क्या करूं भाई इसका? इसमें एक कार्ड जैसा होता है, हाँ। उसमें ही सारी वीडियो सेव होती है, हाँ। उसे निकाल कर, उसे तोड़कर कैमरा घर ले जाकर रख दे। हाँ, ठीक है। रिजल्ट कब निकलने वाला है? सोमवार या मंगलवार को बता देंगे शायद। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें किस बात की टेंशन है? खुश रहना चाहिए ना। और क्या? आ बैठ। ऑस्ट्रिच जानता है क्या? अरे शुतुरमुर्ग, वो ऐसी दिखती है ना बड़ी, उसका अंडा देखा है? काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, बहुत बड़ा। वो अंडा देने वाली ही जानती है उसे निकालने का दर्द। इतना समझाने के बाद भी तू अब तक यहीं बैठा है? नहीं भवानी। चल निकल। ठीक है भवानी। भवानी, लड़के शराब पीने के लिए कह रहे हैं, तुम तो पीते नहीं हो इसलिए उन्हें। ठीक है, पीकर मरो, जाओ। थैंक्स भवानी, गुड नाइट। मेरा हाथ दिखाई दिया ना, मैं इधर आना ही नहीं चाहता था। चलना मास्टर, कल्टी मारते। सबके पीछे एक खास वजह है, तू रुक जा। अच्छा, तो इधर खाना खाने नहीं आए? सोचा था किसी कैंडल लाइट डिनर के लिए मुझे बुला रहे हो। हाँ, पिछली बार यहाँ आया था तो बिजली नहीं थी, कैंडल ही जला रखी थी इन्होंने। ठीक है ठीक है, ओके, रिलैक्स, जगह मत देखो। मैंने सुना है यहाँ खाना बढ़िया मिलता है। लगा था थोड़ी प्राइवेसी तो होगी। ठीक है, आंखें बंद करके अपना राइट हैंड दिखाओ। पर क्यों? दिखाओ, बताता हूँ। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। अब खोलो। ये तो सलून में उस लड़के के हाथ पर था। ये जाकर उसे दिखाओ, खाने का टोकन मांगो। मैं किस लिए? ये सबके पीछे खास वजह है, दिखा दो। देखते हाथ में वो गुदा हुआ निशान देखते ही उसे जो भी चाहिए सब दे देते हैं, बाकी सब भवानी के लोग देख लेते हैं। ये किस लिए? बाल्टी अभी टूटी नहीं है। Ha ha!
ढोल ताशे बजा बजा कर ले आ मजा वजा, पार्टी है धूम मचा, सबको तू नचा नचा। यारों की पार्टी है, गिरे कोई तो गिरने दो, धरती आज हिल जाए तो हिल जाए। नजरे पीट ना छूटे यारा, जोर से पकड़ जरा, आए जिसे नचना भी ना उसको भी तुम्हें नचा। जब तक सुबह ना हो रहे बिंदाजे मस्ती, पूरा ले मजा तू मस्ती का। खेल जीतने तलक तो हम रुके नहीं, तब तलक ये मस्तियां चलती रहे यूं ही। वो मास्टर मेरे दिमाग में ही घूम रहा है, कल सुबह होते ही बिरजू को बोलना उसे ठोक दे। कल सुबह तक का इंतजार क्यों करना, अभी काट डालते हैं ना। अभी जो कहा उतना कर। रब को जब दिल से पुकारोगे सुन लो, सुनेगा यार क्योंकि आस पास है वो। ऊपर नीचे गली हो नुक्कड़िया, होगा दंग तूफान, तू डट के हो जा खड़ा। ढम ढम ढोल बजा का सपने तू दिखा, तुम किस में है भरा देखे आजा जरा। ढोल ताशे बजा बजा कर ले आ मजा वजा, पार्टी है धूम मचा, सबको तू नचा नचा। यारों की पार्टी है, गिरे कोई तो गिरने दो, धरती आज हिल जाए तो हिल जाए। नजरे इतना छूटे यारा। कुड़िया चाहिए थी, वो सब यहाँ नहीं है। नचा जब तक सुबह ना हो रहे बिंदाजे मस्ती, पूरा ले मजा तू मस्ती का। तुम उन वीडियोस को पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दो, मैं लड़कों को लेकर मैजिस्ट्रेट के सामने इसी वक्त हाजिर करता हूँ। ओके मास्टर, ये सब भवानी के ट्रक है, मैंने सुना इधर भवानी आता रहता है। चलो चलते हैं। अरे बाप रे, दिमाग खराब है क्या मास्टर, मैं नहीं आने वाला, तुझे जाना है तो जा। आवाज की तो ऊपर पहुंचा दूंगा, चलो। दरवाजा खुलवा। अच्छा कोड है। तुम में से किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो काट दूंगा इसे। ए, गाना बंद कर, बैठ बंद करना, बैठ बोला ना।
ये भवानी कौन है बे? हाँ, किसी ने देखा है भवानी को? कैसा नाम है भवानी? नाम रखते वक्त उल्टा सोया हुआ था क्या? मैं तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे मारने की ऐसी घटिया हरकतें मत करो वरना इसके गले में छेद कर दूंगा, समझे? चाहो तो एक और बोतल फेंक कर देख लो। तूने भवानी को देखा है? मैं जो कहूंगा उसे जाकर बोल देगा? भवानी 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 भवानी, मैं सीधा तेरे इलाके में घुस गया हूं भवानी, बोल बे। अब बोलो, मैं जाकर बोल दूंगा। नहीं, तू डर रहा है तो रहने दे। देखो, तुम सबके सामने बोल रहा हूं, सुन लो। जिस दिन तुमने उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। मेरी जान की मुझे कोई फिक्र नहीं है। छोटे बच्चों के हाथ पर टैटू बनाकर उनसे गलत काम करवाते हो, वो आपसे नहीं होगा। आज के बाद अगर बच्चों से गलत काम कराने की किसी ने सोची तो मुझे मारने के बाद ही सोचे, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं मरने से पहले कम से कम 10 लोगों को मार कर ही मरूंगा, फिर सामने चाहे भवानी खड़ा हो या फिर कोई भानुमती, जाकर उसे बोल देगा ना? चल उठ। दरवाजा बंद कर ले। मुझ पर बोतल फेंकने वाला कौन था? इधर आ। वो भवानी मैंने उसके ऊपर फेंकी थी, सोचा था पेन नीचे छोड़ देगा, लेकिन वो मिस होके गलती से। अबे दरवाजा खोल। हाँ? खोल दरवाजा, हाथ लगा के दिखा। कहाँ है तू? बताता हूँ तुझे, जान से मार दूंगा। कहाँ है तू? दरवाजा खोल। हाँ भाई, खोल। हाँ? दरवाजा। ठीक है, भवानी को हाथ लगाएगा तू? हाँ, समझ के रखा तूने? भाई बुला रहे हैं। इधर आ। ये क्या कर रहा है भाई? वो दरवाजा बंद करके चला गया। जब उसने मेरी गर्दन पर चाकू रखा था तब क्या उखाड़ रहा था तू? भवानी, वो चाकू नहीं पेन था। ओ, तो ये भी पता है तुझे? दरवाजा बंद करके जाने के बाद तू उसे बुलाएगा तो आएगा? उसे चिट्ठी लिखकर भेजें क्या कि साहब आकर दरवाजा खोलिए? भवानी नहीं। यहाँ पर अच्छी ड्राइंग कौन बनाता है? मास्टर, ये बैठा हुआ है मास्टर, दीवारों पर, टॉयलेट पर, वो ड्राइंग इसी की है मास्टर। मास्टर, कल मेरे एरिया में आकर एक की गर्दन पे पेन रख के मुझे कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए कहा था ना? वो भवानी मैं ही हूँ। नमस्कार। मेरी प्रॉपर्टी, कपड़ों की दुकान, वाइन शॉप बंद करा दी तो सोचा कि ये सब देखकर मैं डर जाऊंगा। मैं क्रिमिनल हूँ, पुलिस के पास जाकर क्या कंप्लेन करूंगा, यही सोचा ना? हिसाब तो सही लगाया लेकिन मुझ पे लगा के मिस्टेक किया। तेरे बारे में बहुत सुना है कि शहर में तुझे पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। उनमें से पहले किसको मारूं अपने लड़कों से मैंने पूछा था। लड़के बोले एक एक करके सबको मारते हैं, मजा आएगा। तू एक काम कर, पेन और पेपर ले और जिसे जिसे लाइक करता है ABCD वाइज सबकी लिस्ट बना ले। भवानी, और मैं छोटे बच्चों को, लेडीज को छोड़ दूंगा ये मत समझना, उनके नाम तो जरूर डालना। लिस्ट बना, एक एक को फोन कर। और हाँ मास्टर। चाचा, क्या हुआ मास्टर? फोन दीजिए मुझे। हाँ, हेलो। लगता है फोन रख दिया। लगता है डर गया होगा भाई, इमोशनल हो गया होगा। ये इमोशनल लोग गुस्सा क्यों करते हैं समझ नहीं आता। ये लीजिए फोन। क्या हो गया? उठा 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 उठा। उठाना। हाँ बोल जेडी। कहाँ है तू? मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। तू सेफ तो है ना? हाँ मैं सेफ हूँ, क्यों क्या हुआ? जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, कहीं बाहर मत निकलना। अरे हुआ क्या, बोलना। Come on, pick up, pick up, pick up. सर कहाँ है तू इस वक्त? एक मिनट। सेफ तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुन, हमारे बैच के स्टूडेंट सेफ है या नहीं जरा चेक करो। ओके ओके सर। हेलो मालिनी, कहाँ हो तुम? घर पे है जेडी, क्या हुआ? घर से बाहर मत निकलना। ओके। आ? अबे सुन, जेडी का कॉल आया था। लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई बाहर ना निकले ऐसा बोला है उसने।
गाइस कोई भी बाहर मत निकलना, रोड ट्रेवल को अवॉइड करो। अगर घर के बाहर हो तो किसी नजदीक शॉप या घर में चले जाओ, किसी भी सेफ प्लेस पर जाओ जल्दी। जेडी सर ने कॉल किया था, लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। देखो अगर तुम सेफ हो तो प्लीज ग्रुप में मैसेज डाल देना कि आई एम सेफ। ओके, अबे गाड़ी रोक साइड में। सर ऑलमोस्ट ग्रुप के सभी लोगों ने सेफ का मैसेज डाल दिया है, लेकिन भार्गव और सविता का कॉल नहीं लग रहा है। अब राइट में ज्यादा कट मत करो। देखो सवाल के हेलो। हाँ मैं यही शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों क्या हुआ? तुम्हारे हस्बैंड साथ है ना? मेरे साथ ही है। मैंने अपना पर्स कार में छोड़ दिया था तो उसे लेने गई। वनिता क्या हुआ? क्या हुआ वनिता? वनिता कुछ तो बोलो, क्या हुआ वनिता? वनिता कहाँ है तू? सर थिएटर में हूँ। क्या हुआ सर? ए, श्री तू ठीक तो है ना? क्या हुआ सर? श्री 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 उतरो उतरो। क्या हुआ सविता? जल्दी उतरो। भार्गव को मार दिया सर। मास्टर कितनी विकेट गिर गई? मेरे हिसाब से तो 2 विकेट आउट और 2 रिटायर्ड हर्ट हैं। ये सब होने के बाद भी अगर तू उन लड़कों के साथ रहेगा तो डेली 4 विकेट गिरेगी। मुझे मारने की कोशिश करने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। बस पहली बार तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब तू जो भी काम कर रहा है वो सब छोड़ और फौरन अपने घर लौट जा, क्योंकि जो आज बचेगा वो कल मरेगा, जो कल बचेगा वो परसों मरेगा, मरेगा मरेगा जरूर मरेगा। थैंक यू, नमस्कार। अरे 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 सुन मास्टर, एक और बात बतानी थी। नाम रखते वक्त मैं उल्टा नहीं सोया था, राजा की तरह सोया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। थैंक यू, नमस्कार। बस आज एक दिन आप बच्चों का ख्याल रखिए, मैं जल्द वापस आऊंगा। वो सब मैं देख लूंगा, आप होकर आओ, इन बच्चों का ख्याल मैं रख लूंगा। चल। अरे ए, चल दास, ये आने रहा दास। अबे ले कर उसे। अरे चल, अरे चल तेरी तो। अरे चल, अबे चल। ए छोड़ दो उसे, रहने दे। चल गाड़ी निकाल जल्दी। दास छोड़ दो बच्चों को, रहने दे, छोड़ दो बच्चों को। सर मैं राज बोल रहा हूँ, दास और उसके लड़के हमें मारकर छोटे बच्चों को एक कंटेनर में डाल के कहीं ले जा रहे हैं। सर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए सर, प्लीज सर। बोलो वनिता। हमारे लिए ये कोई नया नहीं है सर, इनके लिए आपने जो भी किया काफी है। मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। सर इस लाठी को आज उठाइए, रूल वूल गया तेल लेने, मैं सब देख लूंगा। पहले आप इन्हें उधेड़ कर रख दीजिए, पकड़िए सर। मारने वाला है, मार। इधर तुझे
क्या लगता है तूने बहुत बड़ी बाजी मार ली? सही है, भार्गव मर गया वो। भार्गव कॉलेज में तुमसे भी ज्यादा बिगड़ेल हुआ करता था, अब मर गया। एक बिगड़ा हुआ इंसान जब सुधर के जीना चाहता हो और वो मर जाए तो जानते हो कितना बुरा लगता है? उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी भरोसा टूट जाता है। अरे बाप रे बाप, देखो मास्टर ने क्लास लेना शुरू कर दिया। जाने दो मास्टर जी, ये ऐसे इंसान है नहीं जिनसे आप ऐसी बातें कर रहे हो। ये कमीने मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। माफ कीजिए, तो फिर सुधरेगा कौन? हमने कब इन बच्चों को बदलने का मौका दिया है, वक्त दिया है, या जगह दिया है, या कोई रास्ता दिखाया है? अंडे से बाहर निकले नहीं कि पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। इन्हें माँ बाप ने रखा नाम या खाना कैसे याद आएगा? परिवार भी दूर हटता है, समाज भी दूर हटता है, सब दूर करेंगे तो ये बदलेंगे कैसे? तो यहां क्या है? यहां सबसे पहली गलती करने वाला इमोशनल होकर क्राइम करता है। प्यार में, गुस्से में, धोखे में, जोश में, ये सब क्राइम की वजह है। लेकिन उसके बाद हर बार 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 तेरी हर एक गलती तुझसे कौन करवाता है पता है तुझे? तेरा नशा। ये मैं ठोक के कह सकता हूं, पहली गलती के अलावा तुमने हर गलती सिर्फ नशे में ही की होगी। क्यों? तू नहीं पीता, नशा नहीं करता? हाँ आइए सर, आइए। शराब से जो बर्बाद हुआ वही बताएगा ना। मेरी शराब के चक्कर में दो बच्चों की जान चली गई, ये जानकर मैंने शराब छोड़ दी। ए मास्टर, यहाँ रोकर नाटक मत कर। मैं यहाँ घर से मंगा कर नहीं पी रहा हूँ, जो देता हूँ उसे छोड़कर हमें मत सुना। थू, अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये नशा एक राजनीति है। तू 18 साल का नहीं हुआ है, ये फिल्म मत देख ऐसा कहने के लिए थिएटर के बाहर कोई खड़ा होता है ना? वही वाइन शॉप के बाहर क्यों नहीं खड़ा होता? 10-12 साल के बच्चों के हाथ में दारू सिगरेट कैसे लग जाती है? राजनीति, और वो भवानी भी वही राजनीति कर रहा है। जहां हमारे देश के कानून में लिखा है कि बच्चों से काम नहीं करवाना है, उन्हीं बच्चों से वो गलत काम करवा रहा है। ये क्या है? क्या है ये? जैसे पैसे देकर वोट लेकर उंगली पर स्याही लगाते हैं ना, वैसे ही तुम सबको मुफ्त में पिलाकर तुम्हारे हाथ पर स्याही लगाई है। दारू पिलाकर, खाना खिलाकर, कपड़े पहनाकर तुम्हें अच्छी तरह पाल रहा है ना? अब बस, ए, बस बहुत हो गया। हम एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ऐसी जिन बच्चों की इच्छा थी उन्हें नर्क में भेज दिया तुमने। पता नहीं अब वो पंखे से लटकेंगे या टायर के नीचे आएंगे, लेकिन हाँ मैं बचाऊंगा, हर एक को बचाऊंगा मैं। पता है क्या कहा था उसने? मुझे जो पसंद है उन सबको मार डालेगा। हे मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। उससे बोल हिम्मत है तो हाथ लगाए। मास्टर, भवानी अपने लोगों के साथ फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और पूरा पैसा कंटेनर में लोड करके रातों रात बॉर्डर क्रॉस करने वाला है मास्टर। बच्चे भी उसी में है मास्टर। भवानी, 400 ट्रक बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं। और वो बच्चे? कंटेनर में ही है, उन्हें दास देकर आ रहा है ना।
अभी बताता हूँ। चल। आने दे, बस। अगर वो 15 बच्चे सरकारी गवाह बन गए तो किसका नाम उगलेंगे? दास का नाम लेंगे, भवानी को तो उन्होंने देखा ही नहीं है। अगर दास सरकारी गवाह बन गया तो? तुम्हारा नाम लेगा भवानी? तो फिर दास को मार डालो। चलना। यहां से दूर ले जाकर मुझे मरवाना चाहता है ना? तू ही तो कहता था ना कि तेरे लिए कुछ भी करूंगा, जान भी दे दूंगा। अब दे। तुझे बड़ा भाई माना था मैंने। क्या? तुझे अपना बड़ा भाई माना था मैंने। मैंने भी तुझे छोटा भाई ही समझा था। तू ही बोल, अब क्या करूं? बच्चे कहां हैं? बच्चे कहां हैं बोल। ए, जाकर कंटेनर चेक कर। चल। अबे इरी तो आज तू रहेगा या मैं? दास मेरी बात सुन। दास पहले मेरी बात सुन। दास सुन ले, कैमरे के सामने जितने भी बच्चों ने बयान दिया सब तेरा ही नाम ले रहे थे। भवानी कौन है ये किसी को नहीं पता, और ये बात भवानी जानता है। जरा ठीक से सोच,
वो उन बच्चों को मारेगा या उसे मारेगा जिनकी ओर वो उंगली दिखा रहे हैं यानी तुझे। अबे तेरी तो मैं तुझे अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया। अब तक जितनी जाने गई हैं उतनी काफी है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, भवानी बहुत चालाक है, वो बच्चों को नहीं मारेगा, वो तुझे मारेगा। बस एक बार मेरी बात मान कर देख, तू सिर्फ इतना बोल कि बच्चों को तेरे सामने लाकर खड़ा करूं तो वो ना बोलेगा। तू बार बार पूछना, तू तो जानता ही है कि भवानी कैसा इंसान है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आकर मार देना मुझे। आओ मास्टर, पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं ना। क्या हुआ, इमोशनल हो गए? मास्टर, भवानी सिर्फ नाम नहीं है, मेहनत से बनाया साम्राज्य है। अब तेरे ज्ञान बांटने से कुछ नहीं उखड़ेगा। क्यों रे, ये तो ज्ञान बांट रहा है, तुम लोगों में अकल नहीं है क्या? गोदी उठा कर ले आया, बच्चा समझता है तू इन्हें? खूनी राक्षस हैं ये। पहले से ही तुझे बहुत टाइम दे चुका हूं, फिर भी 2 मिनट देता हूं, हो सके तो मुझसे। ये क्या मास्टर, मैं बात कर रहा हूं ना। तूने तो कहा था ना, आ जा। बस इतनी ही ताकत है? Oh!
तुम्हें। तमाम इस पापी को स्वीकार करना भगवान। नहीं, ये लड़ाई तुम लोगों के लिए हो रही है ताकि तुम्हें फिर से हथियार ना उठाना पड़े। तुम लोगों की जिंदगी खराब ना हो इसीलिए लड़ रहा हूं मैं। कोई भी आगे नहीं आएगा। पीछे जाओ। आजा मास्टर जी, सेवा बाकी है तेरी। हड्डियां तेरी तोड़ दूं और सांस रहे ना कोई बाकी। कैसा लगा? मरते वक्त भी ज्ञान बांटना बंद नहीं किया तूने। द लास्ट लेसन ऑफ मास्टर। आजा। अच्छा, फिर से शुरू करें। सब बच्चों को गाड़ी में बिठा दे। ठीक है मास्टर। ओए दास, भवानी। आजा मेरे दोस्त, कर दू तुझे मस्त, हो जाएगा तू सुस्त, देख मेरा बंदोबस्त। आजा मेरे दोस्त, कर दू तुझे मस्त, हो जाएगा तू सुस्त, देख मेरा बंदोबस्त। मास्टर बैठ मास्टर
मुझको मारने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। 18 का था जब किसी से कुछ मांगा, आज तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। मुझे जिंदा छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बच्चों को भी छोड़ दूंगा। अरे उन बच्चों को क्रिमिनल भी तो तूने ही बनाया ना। एक साल तुझे उस ऑब्जर्वेशन होम में रख दिया तो तू इतना बड़ा क्रिमिनल बन गया। अगर तुझे सजा दिलवाने के लिए जेल भेजा गया तो तू क्या करेगा? हाँ राजनीति में उतरूंगा, पार्टी बनाने वाला हूं, चाहो तो मेरे साथ जुड़ जाना मास्टर। कहानी हो गई खत्म। लेट मी सिंग अ छोटी स्टोरी, पे अटेंशन, लिसन टू मी। इफ यू वांट टिकट और एल्स कैगो टेंशन, लीव इट बेबी। लाइफ इज वेरी शॉर्ट साहिबा। मास्टर कौन है बे? बच्चों को गाड़ी में बिठा दिया है मास्टर। अच्छा बैठ गया, बैठना। तुम्हारी जगह मैं सरेंडर हो जाऊं क्या? हाँ, तुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या? जो गलती करता है सजा उसे ही भुगतनी पड़ती है। गधा कहीं का। नहीं, तुम्हारे लिए कुछ करने का मन हो रहा है। तुम्हारे परिवार का बाहर मैं ख्याल रखूंगा। जेल में बच्चे बोल रहे थे कि तुमने किसी लड़की से प्यार किया था। अमीर घर की लड़की है, तुम्हारी मंगनी भी हो गई है। तुम चाहो तो मैं बात करूं उससे। हाँ ये बात कर सकते हैं। वो क्या है ना दास, तब मेरा नाम जेडी नहीं था, जैक डैनियल्स था। सब मुझे जैक जैक कहकर बुलाते थे। मैं चित्रकारी करता था, जुआ भी खेलता था। एक बार खेलते हुए मैंने और मेरे दोस्त ने एक टिकट जीत लिया। लोग चलती बस में चढ़ जाते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं, पर हम लोग चलते जहाज में ही चढ़ गए थे, पता है? वहीं पर मैंने उसे पहली बार देखा। उसका नाम था रोस। उसका नाम क्या बताया? रोस, रोस चेक। आगे तो सुनना। जब मैंने प्यार किया उसके बाद पता चला कि उसकी शादी पहले तय हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग ऐसे जहाज में चलते जा रहे थे कि रास्ते में बर्फ के टीले से जहाज टकरा गया होगा। ये बात तुझे कैसे पता? मैं बाहर वेट करता हूँ मास्टर। अरे रुकना, पूरी कहानी तो मुझे नहीं सुनी मास्टर, रहने दो मास्टर। समाज विरोधियों द्वारा कम उम्र के बच्चों का कानूनन गलत इस्तेमाल सबूतों के साथ साबित हो गया। साथ ही साथ वो बाल सुधार गृह पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। उसमें से 63 लोग जो 18 वर्ष से ऊपर थे उन्हें सेंट्रल जेल भेजा गया और कम उम्र के बच्चों को सुधार गृह भेजा गया। रजिस्टर में अपना फिंगरप्रिंट्स लगाओ। हाँ यहाँ पे लगाओ, उस तरफ जाओ। ओए, किस जुर्म में आए हो तुम लोग? ये सब अभी अंडे से फूटे हैं, वही आंटी वाला केस होगा। इनको तो देखो साले चरसी लग रहे हैं। जिसने भवानी का गेम बजाया था ना, वही यही लड़के हैं। वो तो 7 लोग थे ना, यहाँ तो सिर्फ 6 हैं। 6 ही चिकने आए हैं शायद, एक शाना बाकी है बस। मास्टर कहाँ है बे? मास्टर को शायद वेलूर में डाला होगा। तब तो और अच्छा है बंटा, 10 दिन बाद अपना वेलूर ट्रांसफर होगा ना, वहां टपका देंगे साले को। तेरा मास्टर है ना, वो वेलूर में जाके गेम बजा देंगे उसका। 10 दिन के बाद ट्रांसफर होगा, तब तक तो तुम लोग यही रहने वाले हो ना। बीड़ी अच्छे से पी ले, क्योंकि ये तेरी आखिरी बीड़ी है। इतनी बड़ी तोप है वो, हमने वैसे कैदी बहुत देखे हैं। तूने बहुत कैदी देखे होंगे, लेकिन अब जो आएगा वो है मास्टर।